अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द डीएसए कमबैक इनविटेशनल ग्रैंड फिनाले। आप सभी को हम हमारे एक दिन के ब्रेक के बाद, इनफैक्ट एक दिन के नहीं, जो कि अब से तकरीबन हमारा तीन दिन पहले, आप कह सकते हैं एग्जैक्टली, बिकॉज एक्सपेक्टेड यही था कि एक दिन बाद हम लोग आप लोगों को फिनाले के साथ ज्वाइन करेंगे, बट फाइनली वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले। और आप लोगों को फिलहाल हम खुश आमदीद कहेंगे हमारे कास्टर डेस्क पे, जहां पे एक बार फिर से मैं मौजूद रहने वाला हूं आपका कास्टर गेमिंग पोर्टल, और मेरे साथ मौजूद रहेंगे आज के दिन को यहां पर शानदार बनाने के लिए, मैच को कास्ट करने के लिए टॉरिक्स एज वेल। सो टॉरिक्स, वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच पोर्टल, एक दफ़ा आपका भी शुक्रिया, और यस टूवर्ड्स दी ऑडियंस एज वेल कि एक दफ़ा आप लोगों को भी खुश आमदीद है डी एस ए कम बैक इन्विटेशनल, द ग्रैंड फिनाले, जिनका हमें इंतज़ार था वो आज के दिन पे फाइनली फाइनली स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा। डे वन रहने वाला है और आज के दिन पे एक स्टैंडर्ड मैं कहूँगा पोर्टल टीम्स जो कि हैं वो ज़रूर सेट करेंगी कि आज का दिन और कल का दिन जो कि है वही सिर्फ उनके लिए खेलना है। टोटल मैचेस जो कि हैं वो 8 खेले जाने वाले हैं, जिसमें अगर एक दफ़ा बात की जाए टोटल प्राइज पूल की, एंड दैट इज़ ऑफ लाइक कंप्लीट एंड कंप्लीट जो कि रहता है 25,000 का हमें देखने को मिलेगा। डिवीजन इस तरह से रहने वाली है कि विनर टीम 10,000 लेके जाती है, रनर अप गेट्स अ 5,000 एंड सेकंड रनर अप गेट्स 4,000 PKR, लेकिन 6 मैचेस हर टीम की तरफ से इधर खेले जाने, और उसमें हर टीम जहां पर प्ले ऑफ करेगी इनफैक्ट उसमें उनको एक एक विनर विनर चिकन डिनर के 1,000 rupees जो कि वो जरूर मिलने हैं। एग्जैक्टली और जहां पे खैर हमारी प्राइस पूल डिवीजन की बात रह जाती है, वहीं पर हमारी जो टीम्स हैं वो भी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अब जब देखने लायक रहने वाली है, बिकॉज दीज आर दोस टीम्स जो कि फाइनली इस सारे एक मरहले के बाद हमें क्वालिफाई होकर इस ग्रैंड फिनाले तक पहुंचते हुए दिखाई दिए। सो जाहिर है सभी की सभी यहाँ पर डिजर्विंग टीम, सभी की सभी हमें यहाँ पर जो बेहतरीन टीम्स ही इन एक्शन दिखाई देंगी। ये जो सारे के सारे मैचेस हैं, खासतौर पर आज के दिन के जो तीन मैचेस हैं, ये भी बहुत ज्यादा अब मानी खेज टीम के लिए, जैसा कि पहले भी मेंशन कर दिया जा चुका है कि सिर्फ 6 मैचेस आपको प्ले करने हैं, देन डिसाइड हो जाएगा कि कौन इस डीएसए कमबैक इन्विटेशनल का जो है वो चैंपियन बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल जी, ये देखना पड़ेगा कि आफ्टर लाइक दी 6 मैचेस कौन सा डीएसए इनविटेशनल का चैंपियन बनता है, लेकिन सबसे सारी की सारी सिचुएशन से पहले हम चलेंगे अपने पहले मैच की तरफ जो कि स्टार्ट हो जाता है, और इरेंगल का ही मैप रहने वाला है। प्लेन लाइन तो हम नहीं देख पाए, लेकिन सर्कल की फॉर्मेशन पोर्टल ऑलरेडी एक हार्ड नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर चली गई है, जिसमें जारखी इज दैट एरिया जो कि इस वक्त सर्कल के अंदर रहता है, लेकिन किल फीट के अंदर फाइट्स जो की हैं वो भी स्टार्ट होते हुए, एंड दैट fights are actually at the pushing ki ye fights rehti hain. Gonex i8 ghost jo ki hain wo to eliminate kar diye jate hain, lekin iq he was that guy jo ki pushing ki ke andar eliminate kiye gaye, unka kill jo ki hai team 7q apne naam leke jati hai. Sath hi sath kill feed ke andar ek aur fist jo ki hai wo zarur dekhne ko milti hai, lekin look at that ghost uske baad apne aap ko hi grenade kar lenge, and ek team ka number jo ki hai wo kam ho jata hai. Now we're down to the 17 teams. कर लिया गया था, लेकिन टीम 7 के लिए ऑब्वियसली अगर हम इन प्लेयर्स की बात करें तो एक बेहतरीन सा स्क्वाड हमें जरूर दिखाई दिया जाता है, जेन की शक्ल में, ज़ेबियन ड्रॉलिन एंड फिनिशर की शक्ल में, एंड पुचिंग की जब भी आप बात करते हैं एरेंगल के मैदान की, तो ऑब्वियसली ये टीम पुचिंग की को लेकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्क्वाड माना जाता है, और कोई भी टीम जब भी इनको चैलेंज करने आती है तो ये इसी तरह से अर्ली स्टेज ऑफ द गेम उनके अगेंस्ट स्किल्स निकालते हैं, अपने लिए बेहतरीन स्टार्ट लेके जाते हैं। वंस अगेन वही चीज ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ऑल्दो एक प्रॉपर स्क्वाड नहीं था लेकिन स्टिल एक पेर उनको यहाँ पे मिलता है और आसानी वो जो किल, तो खैर इनसाइड सर्कल टीम आरसी 60 का स्क्वाड में सेवनी पर जरूर दिखाई दिया जाता है, देन टीम 5x आरसी का स्क्वाड है बिलीव हमें हमारे जो कंटेनर साइड रहने वाली है वहां पर जरूर दिखाई दिया जाएगा। तो कुछ टीम सर्कल के अंदर मौजूद है, इनफैक्ट स्टिल अभी भी एक अच्छा खासा नंबर हमें जोन के बाहर जो प्लेबल एरिया नहीं है वहां पर भी दिखाई दे। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा टीम्स का जो कि क्लस्टर है वो आउटसाइड द सर्कल भी फॉर्मेशन के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। AMZ राइट नाउ जो कि रहते हैं, फ्रैगर इनफैक्ट ही इज़ राइट नाउ लूटिंग, इनके हाथ में अगर बात की जाए तो
आई थिंक एक ही एम रहती है और दूसरी गन वहां पर ही एक M416 का कॉम्बो रहने वाला है। सिमिलर साइड पे द रेस्ट ऑफ द टीम 5RC की टीम एक दूसरे के काफी क्लोज बाय विसिनिटी के अंदर रहती है कि ज्यादा दूरी जो किया वो उन्होंने एक दूसरे के साथ बरपा नहीं की। डुओ सोलो एंड सोलो का जो कि एक लाइनअप है, एक शिफ्ट जो कि स्प्लिट वो जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बॉब ये एक अकेले ऐसे प्लेयर है जो कि अपनी टीम से कुछ हद तक की दूरी पर इस वक्त रहेंगे। मिडल में जाके नॉर्दर्न सिटी को लूट इस वक्त किया जा रहा है और इनके बिल्कुल पीछे देयर इज येट अनदर टीम जो कि हमें टीम वन हिट का नाम जो कि 141BY7 के नाम से जो कि है वो खेलते हुए देखने को मिलेगी। एंड दीज गाइज जो अपनी लूट इधर एक्वायर कर रहे हैं दे हैव टू मेक श्योर कि वो या तो एक अर्ली स्टेज में इनिशिएटिव पहले लेके जाएं या फिर दूसरी टीम को एक फेस जो कि है एक अपनी मौजूदगी का एहसास जो कि है वो ना दिया जाए। ओवरऑल वो आपके लिए थोड़ा सा सिक्योर जरूर रह जाए, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब जो है पॉइंट स्ट्रक्चर बदल चुका था और इस साल के आगाज से हमने तब्दीली जरूर देखी है ओवरऑल हमारे मैचेस के अंदर, हमारी टीम्स के अंदर, रवैये के अंदर हमने चीज ये चीज बदलते हुए देखी है कि टीम्स अब थोड़ा सा फाइट्स में जाते भी जरूर है। सो स्टिल वुड लव टू सी कि किस तरह से यहाँ पे टीम्स का जो है वो रवैया रहने वाला है। लेकिन मूविंग ऑनवर्ड स्कूल साइड का रुख करेंगे, इस साइड पर भी कह रहे हैं टीम नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स का स्क्वाड जरूर दिखाई दे जाएगा, एक और बेहतरीन नाम, एक और एक्सपीरियंस स्क्वाड हमें जरूर दिखाई दे जाता है नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स की शक्ल में भी। लेकिन अभी के लिए प्लेयर्स लूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्लेयर्स के पास व्हीकल आ चुकी है, सो जिधर से व्हीकल को रिफ्यूल करके देन रोटेट किया जाएगा। सो नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स अभी के लिए एक्शंस जो कि हैं वो किसी भी टीम की तरफ से इनफेक्ट नहीं देखने को मिले। ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ एक ही वो टीम रहती है जो कि डुओ की शक्ल में ज्वाइन इन करती है और उनको एलिमिनेट किया जाता है, जो कि टीम इनफेक्ट 7Q रेज अपने लिए किल लेके जाती है। सेकंड प्लेयर नेथ हिमसेल्फ वो खुद अपना किल जो कि है वो खुद ही ले जरूर जाते हैं, लेकिन अभी के लिए बकाया 17 टीम्स आर अलाइव वो इधर सर्वाइव कर रही हैं। यूसुफ एक बाइक में जरूर बैठेंगे लेकिन अब बकाया प्लेयर्स द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द टीम UAG साइड एज वेल बाइक्स के अंदर बैठ के अपनी रोटेशन जो कि है उसको कैरी आउट किया जा रहा है। कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि चार के चार प्लेयर्स एक ट्रेन की पटरी की तरह लाइन में भाग रहे थे, पैदल जा रहे थे सर्कल की रोटेशन के अंदर, लेकिन अब जाके जहाँ पर बाइक्स मिलती है तो हमें थोड़ा सा बिखरते हुए ये प्लेयर्स फाइनली नजर आ रहे हैं। स्नेक जिस एंगल पर जा रहे हैं देयर इज येट अनदर टीम जो कि इनको स्पॉट कर सकती थी, स्पॉट डाउन किया जा सकता था, लेकिन लकी इनफ रहेंगे कि कोई स्पॉट डाउन नहीं करता। स्लोली एंड स्टेडली सर्कल की जो कि रोटेशन है उसको कैरी डाउन जो कि है फॉरवर्ड जरूर किया जाएगा, लेकिन 17 टीम्स अलाइव हैं पोर्टल और पहला स्टेज जो कि है वो कुछ देर के बाद बंद भी हो जाएगा। इनफैक्ट एक मिनट के बाद जो कि है पहला स्टेज हमें खत्म होते हुए देखने को मिलेगा और कुछ हद तक आई एम सीइंग के जो पैसिवनेस हम पुराने पॉइंट्स टेबल पे देखते थे कि अर्ली स्टेजेस पे टीम्स फाइट नहीं ले रही हैं वो इस वक्त दोबारा से चल रहा है। और अभी के लिए यकीनी तौर पर हर टीम ही हमें जो फाइट एक हद तक कह सकते हैं अवॉइड करते हुए दिखाई दे रही है और मे भी अवॉइड नहीं भी कर रही है तो फाइट में जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज समर रोटेशंस की जा रही है और ऑब्वियसली ऐसा ही लग रहा है कि हमें जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होता है जैसे पहले मैच को देखा करते थे कि अर्ली स्टेज पर टीम्स लूट करती हैं, रोटेशन की जाती है, व्हीकल्स को मिलते साथ ही वो जो चीज़ है वो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर भी जरूर देखने को मिले। सो लेट्स सी कब तक ये चीज़ यहाँ पर जारी रहती है बिकॉज ऑन द वेरी दिस साइड हमारा जो सर्कल है हमारी जो पहली स्टेज है वो जरूर यहाँ पर HLV लाइनअप रहने वाला है वो भी हमें चारों के चारों खिलाड़ी ऑन द व्हीकल्स ही दिखाई दे रहे हैं। चारों के पास यहाँ पर जब एक अपने अपने व्हीकल इनफैक्ट रहने वाली है, कुछ भी यहाँ पर मुश्किल टीम के लिए नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे, बट बैक एंड साइड पर टीम आती दिख रही स्क्वाड रहने वाला है, अगर ये ज्यादा करीब हो जाता है तो देन एक्शन देखने को मिल सकता था। बिल्कुल जी, अभी के लिए एक नॉर्दर्न साइड एक नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कहूंगा सेवर्नी के पास जो कि काफी ज्यादा अब जाके क्लस्टर्स बन रहे हैं। सर्कल के शिफ्ट वो भी हमें एक वेस्टर्न साइड पे ही देखने को मिलती है जो कि जोजोपूल नॉर्दर्न साइड सिटी इज स्टिल इन साइड दैट सर्कल, सर्कल के अंदर रहती है। वहां पर भी दो टीम्स का क्लस्टर जो कि 141BY7 और टीम 5RC का जो कि हमें कुछ देर पहले देखने को मिला था दे आर स्टिल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन सदरन साइड देखें पोर्टल टीम RZ टीम TF
दीज टू टीम्स जो कि इस वक्त मिलिट्री बेस के ब्रिज पे रहते हैं, जोन से बाहर ही में भी अपनी फाइट के अंदर एंगेज होते हुए देखने को मिले। एंड जितना ज़्यादा सदरन साइड पे टीम्स जाती हैं, जितनी ज़्यादा एक ईस्टर्न साइड पे टीम्स जाती हैं, उतना ही ज़्यादा उनको एक वेस्टर्न साइड की तरफ जो कि है वो वापस आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले फाइट जो कि है वो इनिशलाइज कर दी जाती है। दिस टाइम अराउंड टीम 5RC इज़ दैट टीम जो कि कुछ हद तक अपने लिए डैमेज इनटेक करती है, एक प्लेयर नॉकआउट भी कर दिए जाते हैं। फ्रैगर, इर्तू एंड बॉब, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो अपने प्लेयर को ना तो सिर्फ बचाएं बल्कि इस फाइट के अंदर एक अच्छी इनिशियलाइजेशन लेके जाए। हाथ में 12 की रहती है, प्लेयर जो कि है वो एग्रेस कर रहे हैं, पीछे से इर्तू का फायर आता है, आइकॉनिक को नॉक डाउन कर दिया जाएगा। एक अच्छा कवर दोनों तरफ से फाइट को एक इक्वलाइजेशन के अंदर लेके जाता है, जिसमें MG भी एक तरफ से नॉक रहते हैं और दूसरी तरफ से 1-for-1 BY7 के भी एक प्लेयर को नॉक डाउन मिल चुका हुआ है। लेकिन गन पावर्स की अगर बात की जाए तो फाइम्स के पास आई थिंक एक ज्यादा अच्छी वैरायटी इस वक्त के लिए रहने वाली है, बिकॉज आई हैव सीन द S12 के कंपाउंड्स के अंदर रहकर फाइट की जाए, देन S12 के विल डोमिनेट दैट आउट। एग्जैक्टली लेकिन फिलहाल खैर हमें यहाँ पर जो इंतजार ही करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों टीमें एक दूसरे को नॉकआउट करने की भरपूर तैयारी कर रही है। कुछ नीड्स प्लस हमें वर्सेस नीड के मिल फाइट वो होते हुए दिखाई दे रही है, इवन शॉटगन ये भी डेफिनेटली अच्छा वेपन जरूर रह जाता है। लेकिन स्टिल टीम 5 वर्सेस टीम 1-for-1 विल हैव टू वेट फॉर दैट टीम जो कि स्मार्ट से जाएगी। लेकिन 5 के प्लेयर्स बैक एंड साइड में आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, AKM का इस्तेमाल किया जाता है, सामने जैसे BY7 EBB मौजूद रहने वाले, उनके पास नीड जरूर रह जाता है। लेकिन दूसरे एंड पर जो आइकॉनिक नॉकआउट है उनको कौन रेफ देने जाएगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन एज वेल। एंड इसको यहाँ पर अंजाम देने के लिए शायद हसू कुछ देर बाद में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, बिकॉज जो बैक एंड साइड पे जो प्लेयर्स हैं अगर हम उनको देखें तो सुपर बैक है वो थोड़ा सा यहाँ पर उनको रोड क्रॉस करके आना पड़ेगा। एबी के लिए भी सेम चीज रहने वाली है, लेकिन देन ऑन द वेरी अदर साइड खैर हसू के लिए भी चीजें ज्यादा आसान नहीं रहने वाली, लेकिन स्टिल किसी एक को तो अपनी जान अब रिस्क में यहाँ पर जो डालना पड़ेगी। और देयर वी गो, रिस्क में डाली जाती है जान इब्बी की तरफ से, आइकॉनिक को हाथ लगा दिया जाएगा। तमिला साइड पे हसू जो कि है वो अपना 3x इस्तेमाल करते हैं, प्लेयर के ऊपर एक कंसिस्टेंट फायर जो कि है वो जरूर दिया जाता है, लेकिन उस कंसिस्टेंट फायर के अंदर एक भी जो कि है नॉकआउट या ज्यादा डैमेज जो कि वो प्लेयर को नहीं दिया जाता। सिमिलर साइड पे आइकॉनिक जहां पर से रिवाइव हो चुके हैं, हाथ में SMG UMP-45 के साथ यहां पर हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने दोबारा से अपनी जो कि हीलिंग है उसको इनिशियलाइज कर लिया है, इनिशियलाइजेशन उन्होंने दोबारा से निकाल लिया। Can fight, how will that continue? उसको किस तरह से continue करते हैं, initialize किस तरह से किया जाता है, because so far he is right now super low on that HP. Super boy की भी अगर बात की जाए तो इब्बी उनको भी बचाने के लिए एक superman की तरह पहुंच जाते हैं, एक super hero इन दोनों players के ये रहने वाले हैं कि इन्होंने ना तो सिर्फ iconic को बचाया बल्कि अपने second player super boy को भी बचा लिया ही जाता है, क्योंकि रिवाइव का हाथ लग चुका है। लेकिन हसू, विल ही बी एबल टू गिव आउट द कवर, क्योंकि हसू वाज दैट गाय जो कि फुल बैक एंड पे एक डिफरेंट पाथ पे जाते हैं फाइट के लिए, एक बैक स्टैप देने के लिए। लेकिन अभी के लिए जो कि हमें मिनी मैप के अंदर देखने को मिल रहा है कि हसू इज दैट गाय जो कि अलॉन्ग साइड ऑफ आइकॉनिक एक कंप्लीट डिफरेंट एंगल पे आ चुके हैं। लेकिन किल फीड R360 के नाम चलते हुए FE फैंटेसी ई-स्पोर्ट्स, दे आर गेटिंग द शॉट्स ऑन दीज गाइस, एक नहीं बल्कि दो प्लेयर को कहीं ना कहीं से नॉकआउट कर दिया जाता है। स्ट्रिक्स की तरफ से आई थिंक दे गो एक किल जो कि है वो भी सिक्योर जरूर कर लिया जाएगा। लेकिन 17 teams आर स्टिल इन द मैच पोर्टल एंड दीस 17 टीम्स विल हैव टू मेक अ डिफरेंस। What? They are definitely going for the fight. Ryan को लेकिन backhand से save का fire आता है, knockout मिलता है, destroyer OG जो कि हैं वो भी low on HP रहने वाले हैं, लेकिन उस दौरान अपने आप को heal कर लिया जाएगा। सामने gas cannon पड़ता है, लेकिन दरवाजा नहीं टूटने वाला। Gun change करके आज से it's going to be a good move। अगर ये दरवाजा तोड़ देते हैं player अगर enter करेंगे तो he can get that initial knocks as well। लेकिन into the kill feed team D Lord, they're getting into the fight as well। Constant जो कि है
फाइट्स शॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों तरफ से एक एक और नॉक निकलता है, लेकिन अभी के लिए टीम फैंटेसी स्पोर्ट्स कुछ थोड़ा सा एक बैक स्टैप जो कि है उसके अंदर रहने वाली है। डीवीएस का एक और फटका लगेगा एफजीओ को, और साथ ही साथ डिस्ट्रॉयर के ऊपर भी एंगेजमेंट के साथ टीम स्मोकी एक्स एचएलवी का लाइनअप अपने नाम चार किल लेके जाते हुए, जिसमें से सैफ के पास दो किल आते हैं। कैंडी नॉकआउट जरूर हुए थे लेकिन रिवाइव जरूर मिल रहा है, एक किल उनके पास भी रहने वाला है। बीस्ट द लास्ट किल गाय जो कि अपनी टीम के नाम आखिरी किल जो किया वो जरूर लेके जाते हैं। एक और टीम का नंबर जो किया वो गिर जाता है, दो इनफैक्ट टीम का नंबर गिर जाएगा क्योंकि 17 टीम सी और वो 15 पे आ जाती हैं, जिसमें से एक टीम इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट लाइक वाइप आउट फ्रॉम द टीम स्मोकी ईस्पोर्ट्स एचएलवी का लाइनअप। लेकिन दूसरी तरफ हमें किल फीड के अंदर 141 BY7 के भी नाम उजागर होते हुए देखने को मिला था, जिसमें ईबी और सुपर बॉय को एलिमिनेट कर दिया जा चुका हुआ है पोर्टल। सिमिलर साइड पे किल फीड टीम 360 की चलती है एंड जस्ट लुक एट दैट एनिहिलेशन, एक ही झटके के अंदर दो किल्स जो कि अपने नाम ये टीम लेके जाती है और एक अपना उस तबादले के अंदर प्लेयर जो कि है वो भी एलिमिनेट करवाया जाता है। What? Trolling. What? What? तीन खिलाड़ी पोर्टल एक ही झटके के अंदर नॉकआउट कर दिए जाते हैं। फ्रीस्टाइल इज द लास्ट प्लेयर होप फॉर द टीम, लेकिन ज़ेन जिस वक्त आते हैं फाइट में यहां पर एंगेज किया जाएगा और आखिरी प्लेयर को भी गाड़ी के नीचे देके एक कंप्लीट स्क्वाड वाइप आउट आफ्टर लाइक द टू प्लेयर्स जिनको गाड़ी के नीचे देके एलिमिनेट किया गया। टीम रेज अपने नाम 6 किल सिक्योर करते हुए, अमेजिंगली डन बाय दीज गाइस। 548 मीटर्स अभी के लिए सर्कल से बाहर रहते हैं, लेकिन जसरा इनको अब लूट मुयसर हो चुकी है, जसरा की इनके पास लूट आ चुकी हुई है, लेकिन इजिली स्टे आउटसाइड द सर्कल फॉर नाउ। 2 मिनट और 17 सेकंड रह चुके हुए हैं कि सर्कल ने अभी पीछे से चेंज भी होना है, आहिस्ता आहिस्ता आगे इनके ऊपर भी आ रहा है, लेकिन उस दौरान एक नया सर्कल का शिफ्ट जो कि हमने ऑलरेडी देखा, वेयर डिड इट गो? It actually went towards the hard eastern side, जहां पर कुछ हद तक जोर्जो पूल बन रहा था सर्कल, एक अचानक से झटका आता है और एक कंप्लीट ईस्टर्न साइड के शिफ्ट के साथ एक कंप्लीट ओपन एरिया में सर्कल जो कि अपनी शिफ्ट जरूर ले जाता है। हमें मैप के अंदर कहीं ना कहीं से हिट मार्कर्स भी देखने को मिलते हैं, डी लॉर्ड की तरफ से R360 के ऊपर टीम फाइम जो कि है वो टीम TF के काफी क्लोज आ चुकी हुई है। सिमिलर साइड पे ईस्टर्न साइड तो सेफ साइड रहने वाली है, जहां पर टीम स्मोकी HLV का लाइनअप, टीम नॉर्थ ईस्पोर्ट्स का लाइनअप हमें देखने को मिलता है, लेकिन those sides जो के हमें देखने को मिलते हैं कि northern angles पे they are the one that is actually getting in the engagements। ये वो ऐसे नाम है जो कि engagement में जा रहे हैं और उधर हमें team 5RC के Bob is going to be the last hope for the team। ये के लिए उम्मीद रहने वाले हैं अपनी टीम के लिए। back end पे team Rage वो भी इस जगह पर enter कर जाती है। Bob will he survive? क्या वो यहाँ पर से survive कर पाएंगे? क्या इस एंगल पे अपनी एक अच्छी पोजीशन जो कि इनके पास से सर्वाइव की जाने वाली है या फिर नहीं? दैट इज वन ओवर बिग क्वेश्चन। किल फीड एक दफा फिर से R3G वर्सेस द 7Q रेज की चलती है, जहां पर से टीम रेज के भी दो प्लेयर नॉकआउट कर दिए जाते हैं। एक प्लेयर का एलिमिनेशन फ्रॉम द R3G एवेंजर साइड, सामा का फायर ब्ला 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 के ऊपर लगता है और एक ही झटके के अंदर एक नहीं दो नहीं तीन से चार टीमों की फाइट जो कि है वो एक क्लस्टर फॉर्मेशन में फॉर्म अप होते हुए, लेकिन इस दौरान टीम रेज दे हैव फेस्ड अ वेरी बिग बैकलैश पोर्टल और आखिरी प्लेयर ड्रॉलिन जो कि है वो अपनी टीम के लिए एक आखिरी उम्मीद रहेंगे। लेकिन जिस एंगल पे जा रहे हैं वहां पर से टीम 5RC के प्लेयर्स रहने वाले हैं, गाड़ी के नीचे दिया जाता है प्लेयर को एंड ही गेट्स दैट एलिमिनेशन एज वेल, एक और एलिमिनेशन अपने नाम लेके जाते हुए। और उस दौरान अब जाके टीम रेज जहां पर 8वां किल अपना सिक्योर कर चुकी है, द ओनली लाइक बैड थिंग दैट दीस गाइस हैव के आखिरी प्लेयर इनका अब रहने वाला है। लेकिन हमारे पास जो टीम TF का स्क्वाड यहाँ पे मौजूद रहने वाला है, फिनिशर्स उनको भी जरूर दिखा जा सकता है कि वो सामने यहाँ पे मौजूद रहेंगे। एंड टीम रेज के जो ऑलरेडी प्लेयर्स हमें इस मैच से जाते हुए दिखाई, विदाउट डाउट टीम रेज अगर मैच में रह जाती है जिस तरह की स्क्वाड भी रहता है हमें रहता हुआ दिखाई देता है, तो ये वो ऐसी टीम है जो कि टूर्स एंड बहुत डोमिनेट करती है।
डॉलिन की जो जिम्मेदारी है वो अदा जरूर करना चाहिए, लेकिन फॉर नाउ वी कैन क्लियरली सी टीम नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एज़ल के नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स का स्क्वाड है। नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स भी दूसरे एंड पर इस मैच के अंदर चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद रहने वाले, लेकिन वो नंबर्स जहां पे मैं दिखा दे रहे हैं किल्स के, वो किल फैक्टर अभी तक अभी टीम साइड पर नहीं, आई थिंक टीम नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स अभी तक एंगेजमेंट में नहीं गई है, बट दे वुड लव टू गो इन एंगेजमेंट एज़ वेल बिकॉज ऑफ द टाइम है वो ज्यादा आपके पास नहीं रहने वाला। अब जो फेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है दैट इज जितने किल्स हो सकते उतने ज्यादा आप किल्स यहाँ पर निकालें, हर टीम इनफैक्ट किल्स के लिए मैं जाते हुए दिखाई दे रही है। आर सी जी का स्क्वाड डाउन टू टू मैन स्टैंडिंग एज वेल, टीम नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स सामने मौजूद है 2v4 फाइट, लेकिन ये जो नंबर डिसएडवांटेज है वो टीम आर3 को जरूर हर्ट करेगा। बिल्कुल आर3 जी को ये नंबर एडवांटेज जो कि है वो जरूर हर्ट करने वाला है। सिमिलर साइड पर सर्कल जो कि है वो भी निकल चुका है क्लोज बाय विसिनिटी के अंदर, टीम एनियस रहती है, वेंचर का फाइनली फायर जाता है, अहमद को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। रोशान सिमिलर साइड पे कोशिश कर रही है कि वो इस मौके का फायदा उठाएं, आहिस्ता आहिस्ता अगर उनके पास चले जाते हैं तो दे कैन गेट द इनिशियलाइजेशन, लेकिन जहां पर टीम डी लॉर्ड 3x से दबाव को नॉकआउट करती है, टीएफ का फायर चलता है आर3 जी के ऊपर, उनको इलिमिनेशन मिलता है। टीम नॉर्थ ई स्पोर्ट्स वो भी यहां पर सर्वाइव जरूर करने वाली है, लेकिन दूसरी जानब फाइट की जहां पर हम कॉन्सेंट बात कर रहे हैं पीछे रह चुकी हुई है 8 टीमें, डी लॉर्ड बींग वन ऑफ देम जो कि 5 किल अपने नाम से क्योर कर चुकी हुई है। सामने टीम यूएजी का लाइनअप हमें जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन सर्कल की शिफ्ट जो कि कॉन्स्टेंट अब एक ईस्टर्न पे गई उसके बाद एक हार्ड सदरन 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 साइड पे जा रही है, दैट विल मेक श्योर कि टीम्स जो कि हैं वो काफ़ी ज़्यादा इधर सफ़र करने वाली हैं। सिमिलर साइड हमें सर्कल की रोटेशन जो कि है वो भी देखने को मिल जाती है कि एक दफ़ा फिर से एक सदरन साइड पे जरूर जाता है स्टार, दे हैव लाइक अ कंप्लीट एडवांटेज कि लाइक सदरन एरिया पे और कोई इनके क्लोज बाय विसिनिटी में नहीं रहने वाला, लेकिन रेज 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 वो एक अच्छा यहाँ पर से फायर देते हैं यूएजी के ऊपर, कॉन्स्टेंट यहाँ पर से एंगेजमेंट जो कि दिखाई जाती है, एंड वहाँ पर एक और नॉक यूएजी के प्लेयर का लगता है दानियाल की तरफ से, यूसुफ नॉकआउट कर दिए जाएंगे। दानियाल जहां पर अपनी टीम के लिए इंडिविजुअली 4 किल्स कर चुके हैं, एक और नॉक के बाद अब ये प्लेयर सर्कल के अंदर जाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन जिस एंगल पे जा रहे हैं जिस एंगल को ये सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है वहां पर से ऑलरेडी एक और नाम जो कि है उभरता हुआ नाम हमें देखने को मिलता है, दैट इज द नेम ऑफ द टीम 3x राइट नाउ। 3x की अगर बात की जाए तो दो दो का स्प्लिट सेल इनकी तरफ से भी बना हुआ है, कॉन्स्टेंट एश की तरफ से हमें ग्रेनेड नॉकआउट जो कि हैं टीम्स के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर एक और नॉक के साथ अब टीम टीएफ के ऊपर एग्रेस किया जाने वाला है। एश हैज दैट बगी, एश हैज दैट गन पावर इन हिज हैंड, एक हाथ में भी नहीं है, दूसरे हाथ में वहां पर ये कैम रहती है क्लोज रेंज की डेडलीएस्ट गन अगेंस्ट टॉम, ही विल गो फेस टू फेस, टॉम बैक एंड से एंटर करते हैं लेकिन एश जो कि है वो उनके पीछे से एंटर करके उन्हीं को एलिमिनेट कर जाते हैं, और एक ही झटके के अंदर एक कंप्लीट टीम का जहां पर से एलिमिनेशन देखने को मिलता है। 5 किल आ जाते हैं टीम 3x के पास भी, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ 2 ऑफ देयर प्लेयर्स, लेकिन फाइट 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 जहां पर से 3x की अभी खत्म ही हुई है, दोबारा से स्टार्ट वही कर दी जाती है। दानियाल एक प्लेयर को नॉकआउट करते हैं, फौरन उस प्लेयर को डी लॉर्ड रेंज की तरफ से फिनिश ऑफ किया जाता है, लेकिन उस दौरान दानियाल को एक ट्रेड ऑफ नॉकआउट जो कि है वो जरूर मिलता है, लेकिन रिवाइवल का फैक्टर वो एक बार आसानी पुल ऑफ कर दिया जाएगा पोर्टल, एंड नाउ जहां पर 5 टोटल टीमें पीछे रह चुकी हुई हैं उसमें से एक नाम डी लॉर्ड का रहता है जो कि एक कंप्लीट स्क्वाड के साथ है, एक टीम स्टार का नाम रहता है जो कि एक कंप्लीट स्क्वाड के साथ है। दिखाई दे रहा था कुछ ही देर पहले जब टीम के पास 8 किल्स है, टीम के पास अभी एडवांटेज भी था, लेकिन अब जाकर जो दानियाल के यहाँ पर नॉकआउट हुआ टीम के ऊपर, ये डेफिनेटली टीम को हमें हर्ट अब करता जरूर दिखाई दे रहा है। सो ये अगर यहाँ पर रिकवरी हो जाती है जो कि आई थिंक कर भी ली जा चुकी है, देन नाउ वी कैन एक्सपेक्ट टीम डी लॉर्ड फिर से अच्छा कंपटीशन देगी टीम स्टार को और एनी अदर टीम इन दिस लॉबी, बिकॉज जो नंबर्स एडवांटेज है वो यहाँ पर हमें 2 ही टीमों के पास खास तौर पे दिखाई दे रहा है, टीम स्टार वर्सेस टीम डी लॉर्ड, ये जो यहाँ पे 4v4 फाइट रहने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग फाइट बन सकती है। बट इन द किल फील्ड गॉस की तरफ से टीम यूएजी के स्नेक मैक्सिमस को इस मैच से एलिमिनेट करके आई बिलीव टीम यूएजी को एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। बिल्कुल जी, एक और टीम को एलिमिनेशन मिल चुकी है, जहां पर 5 नंबर था वो 4 पे आ जाता है, लेकिन बॉबी का एक अच्छा फायर गोस को नॉक करने में कामयाब, लेकिन उस दौरान दानियाल का बैक एंड से डी लॉर्ड का इनफेक्टिव फायर रहता है जो कि उनको ही एलिमिनेट कर जाएगा। डी लॉर्ड दानियाल द नेम, रिमेंबर दिस, इस मैच के अंदर पहले मैच के अंदर कॉन्स्टेंट ये प्लेयर जो कि एक अच्छा डोमिनेशन दिखा रहे हैं। टीम स्टार अलबत्ता वो भी 6 किल के साथ अभी के लिए सर्वाइव कर रही है, लेकिन एग्रेशन टीम डी लॉर्ड की तरफ से जो कि वो जरूर चलता है अगेंस्ट टीम 3x राइट नाउ। एश के ऊपर एग्रेशन चल रहा है, एश के हाथ में एकेएम रहने वाली है, डीवीएस का वर्सेस फटका जो कि वो लग सकता है, लेकिन दानियाल व्हाट आर यू डूइंग थोड़ा सा जो कि है उसको लाइक डिले कर देते हैं अपने फायर को, जिसकी वजह से एश जो कि हैं वो पीछे के पीछे ही रहते हैं, इनफैक्ट फायर एक भी नहीं चलता, मॉली जरूर जा रही है, एश जिस एंगल पे रहते हैं वहां पर एक ग्रेनेड फटेगा रेज का, और एश के एलिमिनेशन के साथ अब एक कंप्लीट स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड की फाइट जो कि है वो जरूर देखने को मिलेगी। 10 किल
टीम डी लॉर्ड के पास 6 किल टीम स्टार के पास रहने वाले हैं और फाइट्स कंसिस्टेंटली फौरन दोबारा से चल भी जाती है। यहां पर दानियाल के ऊपर एक अच्छा फायर आता है, ही गेट्स लाइक ऑलमोस्ट टेकन डाउन। लेकिन सिमिलर साइड पर टीम स्टार की अगर बात की जाए, दीज गाइस जिस तरह से ये प्ले ऑफ कर रहे हैं, 4 प्लेयर इनके भी रहने वाले हैं और एक अच्छा कवर, एक अच्छा हाइट एडवांटेज जो कि है टीम स्टार ने अपने नाम जरूर अभी के लिए पकड़ा हुआ है। एक अच्छी जो कि पोजीशन है वो इनकी तरफ से जरूर रखी गई है। लेकिन इस दौरान क्या एक अच्छा नॉकआउट जो कि है, एक अच्छे इनिशियलाइजेशन का इंतजार रहेगा पोर्टल, और अगर 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 वो एक अच्छा इनिशियलाइजेशन निकल जाए देन वी कैन एक्सपेक्ट कि टीम स्टार या फिर सिमिलर साइड पर अगर वो टीम डी लॉट की तरफ से निकलता है तो दे विल पुश ऑन द अदर वन। बिल्कुल वी कैन एक्सपेक्ट के पास चारों के चारों खिलाड़ी ऑलमोस्ट छूटे एक डिस्टेंस के ऊपर जब वो आसपास मौजूद रहने वाले। लेकिन एज कम्पेयर टू एज वी टॉक अबाउट टीम स्टार, तो स्टार के पास वहां पर हमें जब 2-1-1 का स्प्लिट जरूर देखने को मिल जाता है। स्टार के डिस्ट्रॉय लुक एट हिम, दो नेड भी निकाला जाता है, नेड थ्रू भी किया जाएगा फॉर श्योर। ये नेड यहां पर अगर डैमेज दे जाता है तो देन टीम डी लॉर्ड के लिए जो चीजें थोड़ी सी बदल जरूर सकती हैं। लेकिन डी लॉर्ड के रेंजर अभी भी सामने मौजूद हैं, विल हैव टू सी दो। लेकिन फाइनली पैक एंड फ्यूरी का फायर जाता है, दानव को नॉकआउट कर दिया जा चुका है। टीम स्टार फाइनली ब्रेक थ्रू जो है वो दे चुकी है। टीम डी लॉर्ड हमें यहां पे जो डिसएडवांटेज पर जरूर दिखाई देगी। एक ही झटके के अंदर उस स्टार्टिंग के इनिशियलाइजेशन के बाद पोर्टल कांस्टेंट फायर आता है टीम स्टार का, और एक ही झटके के अंदर टीम डी लॉर्ड के ना तो सिर्फ एक कंप्लीट स्क्वाड को वाइप आउट किया गया बल्कि एक स्मूथली विदाउट इवन गेटिंग अ सिंगल नॉक फ्रॉम देयर साइड टीम स्टार पहले मैच का विनर विनर चिकन डिनर भी अपने नाम जरूर ले जाती है। किल्स की अगर बात की जाए तो टीम स्टार अपने नाम 10 किल लेके जाएगी, बिकॉज बिफोर दैट इफ 4v4 की फाइट हमने देखा था कि टीम स्टार के पास 6 किल रहने वाले थे। एक कंप्लीट स्क्वाड के बाद अपने नाम 10 किल लेके जाती है टीम। लेकिन सिमिलर साइड पे टीम डी लॉर्ड की तरफ से भी एक बहुत उम्दा परफॉर्मेंस जो कि है वो देखने को मिली। 6 किल अकेले दानियाल लेके गए, 2 किल चुके थे रेज के पास जाते हैं और 2 ही किल उनके फोर्थ प्लेयर के पास भी रहने वाले हैं, और विद अ टोटल ऑफ 10 किल्स टूवर्ड्स द टीम डी लॉर्ड एज वेल। अपना एंडिंग जो कि है पहले मैच का वो दूसरे पायदान पर यह टीम जो कि है जरूर लेके जाती है। लेकिन टीम 3x उनकी तरफ से भी एक अच्छी परफॉर्मेंस जो कि थी हमें देखने को मिली, एक अच्छा सर्वाइवल जो कि था आया जरूर था। 3 किल ऐश के पास, 1 किल दबाफ और 1 ही किल मोमटू के पास रहने वाला है विद अ टोटल ऑफ 5 किल्स ऑन द हैशटैग नंबर 3। नाउ फर्स्ट मैच जो कि आज के दिन का रहता है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। जिस तरह से टीम्स की एग्रेशन थी, जिस तरह से टीम्स एक प्ले ऑफ कर रही थी, और जिस तरह से मैं कहूंगा कि टीम स्टार ने पहला मैच अपने नाम लेके गए हैं कि वी डिडंट सी दैट मेनी फाइट्स टुवर्ड्स दीज गाइस। स्टार की तरफ से इतनी फाइट्स नहीं देखी हमने, लेकिन जिस तरह एंड सर्कल आता है टीम स्टार अपने आप को राइज अप करती है, फाइट्स के अंदर कंसिस्टेंटली जाती है और एक एक करके अपने नाम 10 टोटल किल बिफोर द मैच एंड्स। जितने पोजीशन के आपको चिकन के पॉइंट्स मिलते हैं उतने ही किल अपने नाम ये टीम लेके जाती है विद दैट विनर विनर चिकन डिनर। एग्जैक्टली और एक बेहतरीन आगाज भी मर्स से इस ग्रैंड फिनाले का टीम स्टार की तरफ से शुरू कर दिया जा चुका है। ऐलान शुरू कर दिया जाता है बाकी टीम्स के लिए कि वी आर हियर डेफिनेटली टू कम्पीट और टू टेक अवे दैट प्राइस पूल एज वेल, बिकॉज ऑलरेडी हमने मेंशन किया था कि हमारे पास जहां पर हमारे जो प्राइस पूल डिवीजन है फर्स्ट स्पॉट के लिए 10,000 रहने वाली है, वहीं पर जो चिकन डिनर है उसके लिए भी आपको 1,000 रुपया जरूर मिलेगा। सो वहां पर भी नजर रहेगी टीम्स की कि हमने मैक्सिमम चिकन डिनर निकाले ताकि हमें मैक्सिमम जो प्राइस पूल है वो यहाँ पर जरूर मिल जाए। लेकिन फिलहाल खैर मैच नंबर 1 के बाद अब हमें यहाँ पर जो मैच शुरू के लिए करना पड़ेगा थोड़ी देर इंतजार, और आप लोगों ने तब तक कहीं नहीं जाना, तब तक जब तक हम लोग मैच शुरू के साथ वापस आएंगे तब तक आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी करें, और स्ट्रीम को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर लाजमी कर दें। बट फॉर नाउ दिस वॉज ऑल इट फॉर द मैच नंबर 1। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद हमारे मैच नंबर 2 के साथ, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द डीएसए कमबैक इनविटेशनल रिग। फिर से खुशामदीद कहें कि आप सभी को हमारे ग्रैंड फिनाले के इस एक्शन के अंदर, जहां पर ये रहने वाला है ग्रैंड फिनाले का डे वन, और इन टोटल हमारे पास इस ग्रैंड फिनाले के 2 दिन रहेंगे। ये सारी की सारी टीम्स आपको इन एक्शन दिखाई देंगी। मैच वन एक बेहतरीन मैच रह जाता है, जहां पर टीम डी लॉर्ड हमें बहुत शानदार खेलते हुए दिखाई दी और काफी क्लोज थी टीम विनर सेकंड राउंड लेने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबर 2 पर टीम को आना पड़ता है, बिकॉज देन दूसरे एंड से टीम स्टार भी बहुत शानदार खेल के जाती है। स्टार की तरह से 10 किल्स के साथ विनर विनर चिकन लेकर इस ग्रैंड फिनाले का जो आगाज है वो जरूर कर दिया जा चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम हमारे मैच 2 की तरफ वंस अगेन जाएं, दिस इज योर कास्ट गेमिंग पोर्टल, एक बार फिर से मुझे इस मैच को कास्ट करने के लिए ज्वाइन कर लिया टॉरिक्स ने। टॉरिक्स वंस अगेन वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच पोर्टल एक दफ़ा फिर से मुझे खुश आमदीद करने के लिए सेकंड मैच के अंदर भी, जहां पर दूसरा मैच मेरा मार का इनफैक्ट रहने वाला है। पहले मैच के अंदर टीम स्टार एक बहुत उम्दा तरीके से प्ले ऑफ करती है, लेकिन अभी के लिए डायरेक्टली हम चलते हैं मैच की तरफ, क्योंकि प्लेन लाइन बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। स्टार्ट जो किया पुएर्टो पाराइसो से होता है और एंड जो किया वो मॉन्टेन्यूएवो की तरफ प्लेन लाइन जरूर जाएगी, लेकिन स्टार व्हाट इज गोइंग ऑन फ्यूरी वो एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ खड़े हैं, AFK रहने वाले हैं। उसामा वो अपनी लूट जरूर इधर कर रहे हैं, दूसरी जाने पे डिस्ट्रॉयर ही इज गेटिंग द लूट एज वेल, लेकिन ज़ायरो जे ही इज द वन दैट इज लाइक AFK एज वेल, लेकिन फाइट्स ELM द नेम्स फ्रॉम द टीम ELM साइड, टीम स्मोकी स्पोर्ट्स HLV के साथ में फाइट में जाती है एंगेजमेंट जो कि वो स्टार्ट कर दी गई है। एंड वी कैन सो फार एक्सपेक्ट के अब जहां पर फाइट्स का इनिशियलाइजेशन कर दिया जा चुका हुआ है पोर्टल, उसमें 4 चांद जरूर लगे, क्योंकि सर्कल ने भी ऑलरेडी इन टीम्स को इस चीज पर फॉर्मेशन दे दी है कि सर्कल प्लेन लाइन के काफी क्लोज बाय में था। प्लेन लाइन से एक बिल्कुल सदरन साइड गया और सदरन साइड ही जो कि है सर्कल भी अब फॉर्म अप हो जाता है, लेकिन क्लस्टर्स लुक एट दैट, पिकार्डो के पास क्लस्टर, लॉस लियोन्स के अंदर क्लस्टर, और उनके अलावा बकाया एरियाज पे इतने क्लस्टर्स हमें नहीं फॉर्म अप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जहां पर हम क्लस्टर्स की इनफैक्ट बात कर ही रहे हैं, वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट द फाइट्स, जहां पर से टीम स्मोकी स्पोर्ट्स अपने नाम एक भी किल अभी तक के लिए नहीं लेके गई, लेकिन एक अपना प्लेयर उन्होंने गवा दिया। बिल्कुल, और अर्ली स्टेज पर यकीनी तौर पर टीम की तरफ से एक खिलाड़ी को यहाँ पे गवा रहे, चीज टीम को जरूर यहाँ पे हर्ट करने वाली। ना सिर्फ टीम SLV स्मोकी ने लाइनअप यहाँ पे अपने खिलाड़ी में गवाता हुआ दिखाई देगा, बल्कि किलपिट के अंदर कुछ ही देर पहले 3x के GGB आई बिलीव हमें कंफर्म जरूर होते हुए दिखाई दिए, एंड दैट मींस कि टीम ने 3x भी जाती है वो भी इंडेज के पास जरूर मौजूद रहेगी। बिल्कुल जी, इनके पास एक अच्छी गन जो की है वो आ चुकी हुई है, लेकिन फाइट्स उसका इनिशियलाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है इनटू द किल फीड। डी लॉर्ड की फाइट HUE के साथ जाती है, लेकिन R360 दीस गाइस आर आल्सो गेटिंग एंगेज इनटू द फाइट। एक प्लेयर बाकी MVP जो की है उनको नॉकआउट किया गया, फिनिश ऑफ भी मिलता है अल्ताफ की तरफ से, लेकिन सिमिलर साइड पे अब जिनोपी स्टार और ब्लेस दीस 3 गाइस हैव टू मेक श्योर कि वो एक अच्छी मूवमेंट जो की अपनी जरूर दिखाएं। नो मर्सी जिस एंगल पे रहते हैं एक अच्छे मुकाम पे, ब्लेस को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ जिन को भी जरूर देखा जा सकता है, लेकिन दैट डिपेंड्स कि अगर इनके पास एक अच्छा स्कोप, एक 4 टाइम्स या इवन 6 टाइम्स का स्कोप जो कि है वो रहने वाला हो तब जाके। 4 प्लेयर्स अलाइव हैं, एक किल भी अर्ली स्टेज पे आ चुका है, और इनके क्लोज बाय विसिनिटी में ना तो सिर्फ टीम R360 रहेगी बल्कि लुक एट दैट टीम नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स का नाम जो कि है वो भी क्लोज बाय विसिनिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। अहमर को एलिमिनेट किया गया, लेकिन द रेस्ट ऑफ द टीम लाइक 3 प्लेयर्स आयरन RF और स्नो वो भी के लिए अलाइव रहने वाले हैं। लॉस लियोन्स भी एक 3 टीम्स का क्लस्टर बन रही है, जहां पर पिकार्डो में भी हमें 3 टीम्स का क्लस्टर जरूर देखने को मिला, एंड इसमें अब फर्स्ट फाइट कौन सी टीम एक कंप्लीट वाइप आउट करके जाएगी, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन पोर्टल। एग्जैक्टली, लेकिन खैर अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो आई थिंक एक्सपीरियंस वंस में हमारे पास टीम नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स का स्क्वाड इन सभी टीम्स में से, इन तीनों में से हमें नंबर 1 पे जरूर दिखाई देता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स के पास काफी ज्यादा इस एरिया पे प्ले करने का एक्सपीरियंस है। PMPL के अंदर हम इस टीम को यहाँ पे उतरता हुआ देख चुके हैं, टीम के साथ एक टाइम्स ये टीम जो है फाइट्स भी हमें लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन स्टिल
इस मौके पर अभी भी वो जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो शायद हमें टीम को हेल्प ना करता हुआ दिखाई दे, बिकॉज सामने अब टीम रहने वाली है वो कुछ अंडररेटेड स्क्वाड है, कुछ अंडरडॉग स्क्वाड्स हैं, टीम R360 का स्क्वाड किसी भी तरह से हमें पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्टार आगे बढ़ रहे हैं, उनके टीममेट ब्लेज वो हमें आगे आते हुए दिखा देंगे, जिन वो भी उनके यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। टीम R360 का स्क्वाड है इट जस्ट क्लियरली लुक्स लाइक ए टीम NES के साथ ये टीम फाइट देने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। एंड अगर यहाँ पे इंटरेस्ट मजीद शो किया जाता है तो देन टीम नॉर्थ ई स्पोर्ट्स को देखना पड़ेगा कि नॉर्थ ई स्पोर्ट्स की क्या स्ट्रेटजी रहेगी टू टैकल दिस फाइट। एंड खास तौर पे राइजन नॉकआउट कर दिए गए, फिनिश ऑफ जो किया वो भी एश की तरफ से जरूर कंफर्मेशन मिलती है। एक किल इनके पास भी आ चुका है, मध्य मुकाबल जो कि अब टीम रहती है उसको भी तीन प्लेयर्स पे मुश्तमिल जरूर कर दिया जा चुका है। RNG दे हैव टू मेक श्योर एट दिस पॉइंट, अब ये जो कि इनके पास बड़े कंपाउंड रहते हैं उन बड़े कंपाउंड को ना छोड़ा जाए। बनी के हाथ में ग्रेनेड आ चुका है, जिस एंगल पे ये थ्रो कर सकते हैं उधर एश आ सकते हैं। एक अच्छा ग्रेनेड टीम 3x के लिए और ज़्यादा इधर मुश्किल आ जो कि वो ज़रूर पैदा करते हुए देखने को मिल जाएगा। लेकिन बनी ही इज़ नॉट ओवर एग्रेसिंग, उनको पता है कि आगे अगर टीम के साथ फाइट है जा रही है तो पीछे से थर्ड पार्टी का एंगेजमेंट जो कि है वो भी आ सकता है, जिसकी वजह से कुछ हद तक ये स्लो एंड स्टडी ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन वॉट जस्ट हैपन फ्रॉम द R360 साइड, एक नहीं दो प्लेयर को नॉकआउट करते हैं एक ही झटके के अंदर, अपने नाम ये दो किल भी सिक्योर करेंगे। और स्टार एक 1v3 अभी के लिए तो कंफर्म कर चुके हैं अगेंस्ट द टीम आई बिलीव सो नॉर्थ ई स्पोर्ट्स। लेकिन अभी भी टीम नॉर्थ ई स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर द सोलो प्लेयर दैट इज सर्वाइविंग वो इधर पीछे की जानिब रहने वाले हैं, स्नो वो प्लेयर रहेंगे। और इनके क्लोज बाय विसिनिटी के अंदर देयर इज नॉट वन बट टू डिफरेंट टीम, एक स्मोकी एक HLV का आई थिंक सो लाइनअप रहता है, दूसरा R360 का लाइनअप जो कि है वो हमें देखने को मिलेगा। ब्लेसर एंड स्टार आर द ओनली टू गाइस जो कि इस वक्त अलाइव रहते हैं, बकाया दो प्लेयर्स वो उन्होंने गवा दिए। बिल्कुल, एंड दोनों टीम की तरफ से खैर यहाँ पे प्लेयर्स गवाए भी जा रहे हैं, साथ ही साथ किल्स भी कंफर्म किए जा रहे हैं। लेकिन टीम स्मोकी स्पोर्ट्स आने वाली है, लुक एट देम दो, अब वो आगे बढ़ रहे हैं, उस टीम को पता लग चुका है कि यहाँ पर जो फाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है, कुछ किल्स कंफर्म हुए, दोनों टीमों ने अपने प्लेयर्स गवा दिए। हमारे पास एक बेहतरीन चांस है कि अब हम यहाँ पे एंट्रेंस दें और अपने लिए जो किल्स हैं वो ना सिर्फ यहाँ पर जो है बढ़ाए जाए बल्कि अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी इस मैच से एलिमिनेट करके जो टीम नंबर है उसको भी कम कर दिया जाए। टीम स्मोकी किल था सेंटर में आगे बढ़ते हुए दिखा देंगे, रीलोड किया जाएगा, साइक ऑन द वेरी साइड वो भी यहाँ पे टीम के साथ रहने वाले हैं, जूबी ओपी वो भी अंदर बढ़ते हुए नजर आएंगे विद UMP 45 इन द हैंड दो। एंड ये जो सारे सारे का सारा स्क्वाड है पूरे का पूरा जो फोर मैन स्टैंड स्टैंडिंग रहने वाला है टीम स्मोकी के पास, वो यकीनी तौर पर टीम को इस फाइट को जीतने के लिए हेल्प जरूर कर सकता है, अनलेस और अंटिल स्टार एक बार फिर से हमें यहाँ पर दोबारा फिर से शाइन करते हुए दिखाई दे और टीम R360 अपने लिए मजीद कुछ स्किल जरूर कंफर्म कर जाए, बिकॉज अभी तक के लिए देर इज नो डाउट कि R360 स्टार ने बहुत बेहतरीन खेला है। NESC स्क्वाड को यहाँ पे टैकल करना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग और यकीनी तौर पर जितना दादीज है उतना ही जी ऑलमोस्ट नॉक होते होते रह जाते हैं। इनफैक्ट दोनों प्लेयर ना मोमटू बल्कि बनी एज वेल, लेकिन लुक एट दैट किल फीड के अंदर अब एक तीसरा नाम हमें देखने को मिलता है ऑन द R360 एट द लॉस लियोन साइड, एक थर्ड पार्टी की बजाय फोर्थ पार्टी जो कि है वो एंटर कर चुकी हुई है क्लोज बाय विसिनिटी के अंदर। ब्लेसर जो कि है वो अपनी टीम के लिए आखिरी प्लेयर रहते हैं, स्लोली टीम फाइम के ऊपर भी एग्रेशन जो कि है वो कॉन्स्टेंटली चल रही है। ब्लेसर इज द सोलो होप ऑफ द टीम, स्मोकी स्पोर्ट के साथ फाइट में जाते हैं। लेकिन व्हाट जस्ट हैपेंड, जूबी की तरफ से एक बहुत शानदार एक क्राउच फायर जो कि था वो किया गया, प्लेयर को इलिमिनेट करते हैं अपने नाम, एक कंप्लीट स्क्वाड जो कि है वो इलिमिनेट कर दी गई। फाइनली एक टीम का नाम कम हो जाता है, 18 जो कि टीमें थी वो 17 पे चेंज हो जाती हैं। लेकिन इस एंगल पे रहना जूबी के लिए वो भी एक खतरनाक सिनेरियो जो कि है वो साबित हो सकता है, बिकॉज इनके बिल्कुल ऊपर अभी भी स्नो रहने वाले हैं। जूबी बाहर की तरफ जाएंगे, दोबारा से टीम फाइम के खिलाफ जो कि अपनी फाइट को एंगेज किया जाएगा, जहां पर साइक ही वो थ्रोइंग द ग्रेनेड, द बॉब इधर रहने वाले हैं। लेकिन किल फीड के अंदर बॉब की बजाय बॉबी जो कि हैं बनी के ऊपर फाइट अपनी जरूर लेके जाते हैं और बनी को जहां पर से नॉकआउट मिलता है। अब बकाया दूसरी पिकार्डो की फाइट जो किया वो भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें से कॉन्स्टेंट R3G इनफैक्ट 3X जो किया RG के एंगेज को नॉकआउट करते हैं। किल जो किया मे बी उनके पास अभी आ जाए, लेकिन शेरी को नॉकआउट मिल जाता है। RG की टीम वो एग्रेशन के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, प्लेयर्स के ऊपर कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट जो किया वो दिखाई जा रही है। बनी इज गोइंग टू बी आई थिंक वन ऑफ द सोलो होप डुओ के होप यहां पर से रहती है। UMP का एक प्री फायर दिया जाता है, लेकिन प्लेयर को डैमेज मिलने के बाद वो प्लेयर इनको भी नॉकआउट करने में कामयाब।
लिविंग थोर द फाइनल होप ऑफ द टीम। अब यहाँ पर से टीम आर एन जी बहुत ज्यादा मुश्किल के अंदर आ चुकी है। सिमिलर साइड किल फीट के अंदर टीम स्मोकी स्पोर्ट्स वर्सेस द टीम एम एस एक्स एस लाइक एल एस बनी जहाँ पर से नॉकआउट हुए एलिमिनेशन एक नहीं दो नहीं तीन एलिमिनेशन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आर जी की टीम वो फाइनली आती है, प्लेयर को आर एन जी के प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाता है, अपने नाम चार किल करेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी पोर्टल थर्ड पार्टी अभी भी बन सकती है क्योंकि 3x का स्क्वाड अभी भी यहां पर से अलाइव रहता है विद थ्री प्लेयर्स जवाब मोमटू और एश। और जहां पर से एश एक एंगल पे रहते हैं, एक तरफ नीचे से जवाब एंटर कर रहे हैं और दूसरे अपर एंगल से मोमटू उस जगह पर एंटर करके फाइट को इनिशियलाइज करेंगे। जहां पर जवाब एक नॉकआउट निकालते हैं, फॉरन रशन जो किया वो देखने को मिलता है मोमटू का, बाहर की तरफ जाएंगे प्लेयर के ऊपर एक डिफरेंट एंगल से अप्रोच जो किया वो की जाएगी। लेकिन उससे पहले जवाब की तरफ से यह जंप फायर चलता है, प्लेयर को नॉकआउट किया जाता है। लिविंग बॉबी इज द फाइनल होप, लेकिन व्हाट जस्ट हैपेंड, बॉबी जहां पर से कवर में तो जाते हैं लेकिन उससे पहले ही एश का फायर उनको एलिमिनेट कर जाएगा। एक टीम जो कि आर एन जी को एलिमिनेट करती है उनको एलिमिनेट करने में सबसे बड़ा हाथ यहां पर से टीम 3x अपना ले जाती है। एक नहीं दो नहीं तीन स्क्वाड थी इस एंगल पे और उसमें से सिर्फ एक स्क्वाड बचती है जो कि टीम 3x का नाम है। देखे टीम्स का सिर्फ 13 टीमें वापस लेने वाली हैं। तो फाइट का आगाज हुआ था उस टाइम पर मैच के 18 टीम्स मौजूद थी। देन ऑन द वेरी दिस साइड में टीम नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स को मैच जाते हुए देखा, फिर टीम आज से 60 मैच से गई है। जब हम हमारे पिकार्डो साइड पर जाते हैं तो देखते ही देखते वो नंबर डायरेक्टली हमें 13 पर आता हुआ नजर आता है। सो दिस इज हाउ इतनी ज्यादा टीम्स हमें जो इस मैच में दिखाई देते हैं। लेकिन टीम नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स वंस अगेन टॉकिंग अबाउट देम, खैर अभी भी यहां पर टीम पर सोलो पे स्टैंड कर रहे थॉट की टीम नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स मैच से एलिमिनेट हो चुकी होगी। लेकिन स्नो भी यहां पर मौजूद है, ही इज द लास्ट होप ऑफ द टीम। एंड आयरन आर एफ एंड अहमर के जाने के बाद अभी तक उन्होंने टीम के लिए यहाँ पर जो एक पोजीशन कुछ पॉइंट्स बन सकते थे वो जो उम्मीद है वो टूट। स्पोर्ट्स मैच में मजीद आगे बढ़ेगी, स्नो टीम के लिए कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें उनको शायद कामयाबी भी मिल जाए। लेकिन किलफीट एक बार फिर से चलते हुए दिस टाइम अराउंड टीम एएलएम की तरफ से बगल जी, टीम ELM के प्लेयर्स हमें नॉकआउट जरूर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लुक एट दैट सर्कल का शिफ्ट पोर्टल, एक दफा फिर से लॉस्ट लियोन्स के पास एक हार्ड ईस्टर्न साइड शिफ्ट जो कि है वो सर्कल का जरूर बनता है। 1-4-1 वो कांस्टेंट फाइट के अंदर जाती है R3G के साथ, जहां पर गाड़ी के फटते हुए हमें नॉकआउट्स जो किए हैं टीम 1-4-1-7 BY7 के इनफैक्ट जो कि हैं वो किल्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाउ विल दैट किल्स अफेक्ट दिस टीम, क्योंकि अभी के लिए दीज गाइज 1-4-1 BY7 का जो कि कुछ देर पहले कंप्लीट स्क्वाड का लाइनअप था वो आखिरी प्लेयर पे आ जाता है। इबी एलिमिनेट हुए, स्पीड बॉय को एलिमिनेट किया गया, हसू एलिमिनेट होते हैं, तीन प्लेयर्स का जो कि एलिमिनेशन है वो एक ही झटके के अंदर बनता है। सिमिलर साइड पे सर्कल के अंदर जाने की अभी भी जो कि भरपूर कोशिश है आइकॉनिक की तरफ से चल रही है। सदरन साइड से सर्कल एंटर करेंगे और उनके क्लोजेस्ट विसिनिटी के अंदर लॉस्ट लियोन्स का शहर जो कि है वही देखने को मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं से आवाज़ें जो कि हैं लॉस्ट लियोन्स के पास से वो भी बरपा ज़रूर होती हैं कि प्लेयर्स मे बी इंगेजमेंट की तरफ ज़रूर जाएँ, दोबारा से फाइट जो कि है वो उनकी तरफ से ले ली जाए। लेकिन अगर अगर फाइट की तरफ जाते हैं तो रिमेम्बर लाइक अ पोर्टल देयर वर टू टीम्स, एक 5 RC का लाइनअप था, दूसरा जो कि है टीम स्टार जो कि है वो उधर एंटर कर चुकी हुई है जगह पर। तो दोनों प्लेयर्स में से एक स्नो जो कि नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स के थर्ड प्लेयर थे, ही विल बी मेकिंग श्योर कि वो अभी भी फाइट के अंदर ना जाए। लेकिन फाइट जहां पर से हम बात कर ही रहे हैं आउटसाइड द सर्कल की अगर बात की जाए तो फाइट उधर भी जरूर बरपा रहती है। रेज को उधर नॉकआउट किया जाएगा वाज की तरफ से, दानियाल पेट प्रीतम और वाइस जो कि अपनी टीम के लिए अब तीन प्लेयर सर्वाइव इधर करेंगे। प्रीतम और दानियाल वो तो बगी के अंदर बैठ के निकल जाते हैं, लेकिन वाइस ही इज अ टोटली स्ट्रैंडेड, फाइट की तरफ जाएंगे, एवेंजर को नॉकआउट करते हैं लेकिन खुद भी नॉकआउट का सामना जरूर करेंगे। रेज एंड वाइस बोथ आर टेकन डाउन, दानियाल और प्रीतम अब इस फाइट से बाहर जाने की बजाय फाइट की तरफ जाते हैं। लेकिन नॉक नॉक व्हाट जस्ट हैपेंड, लीड के फायर देते हैं, कवर अच्छा नॉक निकाल लिया जाता है। लेकिन प्रीतम ही द सोलो प्लेयर स्टैंडिंग, एक ही फर्स्ट एड किट इनके पास रहने वाली है। जस्ट लुक एट दैट सर्वाइविंग, एक पीछे से कवर रोशान का जो कि प्रोवाइड हो रहा है आथरी जी को कितनी दूर से 6x के साथ किया जा रहा है। डी लोड किया जाएगा टीम आरसीडी के अवेंजर
बैक साइड से आगे बढ़ते हैं गाड़ी की। कंफर्म करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये जो जोन डैमेज रहने वाला है ये एक बहुत बड़ा हमें यहाँ पर टीम के लिए अब जो मुसीबत है वो बनकर जरूर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लुक एट द किल फील्ड, जोन डैमेज टीम के खिलाड़ी को नॉक कर जाता है। कुछ किल्स हमें दूसरे पे भी कंफर्म होते हुए दिखाई देंगे ऑन टीम सेवन की रेज, जिनके आई बिलीव एक खिलाड़ी इस मैच से एलिमिनेट में भी जरूर हो चुके हैं। लेकिन हमारे जो टीम्स हैं की फाइट जो कि है वो बरपा स्टार्ट होते हुए देखने को मिलती है, जिसमें से फाइव आर सी के एक प्लेयर को आई बिलीव सो एलिमिनेट किया गया है, और बकाया दो प्लेयर्स अब जो कि एंगल पे रहने वाले हैं, फ्रैगर एंड एट द सेम टाइम इर्तु, दे हैव टू मेक श्योर कि वो फाइट को एक अच्छे नोड पे इख्तितामी मोड पे लेके आए। दोनों प्लेयर्स एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रहते हैं, सिमिलर साइड पर टीम स्टार जो कि है वो भी अपने दो प्लेयर पे ही सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन, इर्तु बाहर की तरफ आते हैं, ज़ायरो जो है मिस कर जाते हैं अपना पूरे का पूरा स्प्रे, जिसकी वजह से इर्तु के पास एक डेफिनेट चांस बन जाता है कि ही गेट्स इनटू द कवर, वो कवर के अंदर दोबारा आ जाते हैं। लेकिन उसामा उसामा जिस एंगल से जा रहे हैं उधर इर्तु रहने वाले हैं, इर्तु आई थिंक इनको कुछ हद तक स्पॉट कर चुके हैं, साउंड क्यू चुके हैं वो दोनों प्लेयर्स की तरफ से दे दी जा चुकी हैं। लेकिन उसामा हैज टू मेक श्योर कि पहले इर्तु इनके ऊपर एग्रेस करें, क्योंकि सर्कल ने पीछे से इर्तु की तरफ से आना है, चांसेस जो कि आपके पास एक बेहतर जगह पर रहने के वो टीम स्टार के पास ही रहते हैं। फाइम दे हैव टू मेक श्योर कि वो पहले जोन का ज्यादा डैमेज लें, उसके बाद आगे की तरफ निकलें। लेकिन फाइम फाइम व्हाट आर यू डूइंग, सर्कल में निकलने के लिए आप पूरी सड़क पार करते हैं, जिसमें आपको पनिश किया जाता है उसामा की तरफ से, एक ही झटके के अंदर नॉक एंड फिनिश ऑफ ऑफ द किल। ज़ायरो जो इस मौके का फायदा उठाते हैं, जहां पर से फाइट टीम फाइम जो कि थी अब एक अपने राइट कॉर्नर को देखते हुए नजर आएगी, उसमें से ज़ायरो जो ही मेड श्योर कि वो सर्कल जो कि है उस दौरान अपने लिए जरूर सिक्योर करने की कोशिश करें। और सर्कल की जहां पर बात कर रहे हैं, पोर्टल ऑलरेडी 500 मीटर सर्कल इस वक्त दूर रहते हैं, और गाड़ी ना होते हुए सर्कल के अंदर जाना इन द मिरामार मैच, I think that is a big blow. There we go. जाएंगे राइट एट दैट वेरी लास्ट सेकंड, आई मस्ट से नैनो सेकंड में शायद हमें यहां पर जो फर्स्ट एड वो लगते जरूर दिखाई दी। लेकिन बैक टू टीम 7 को रेज एज वेल एंड सेंट पर फिनिश नॉक जरूर से, लेकिन ज़बियान उनको ज्वाइन करेंगे, फॉरचर अब यहां पर दिया जाएगा। टीम 7 को रेज का स्क्वाड भी एक दफा फिर से हमें 4 मैन स्टैंड जरूर करता हुआ दिखाई देगा। सो इन टोटल हमारे पास 8 टीमें जरूर स्मार्ट के अंदर मौजूद है, 21 खिलाड़ी अभी भी हम यहाँ पर जरूर रहते हुए। टीम स्टार उस जोन के बाहर हमें यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते, उनके साथ एक स्क्वाड आने वाला था टीम फाइव का, हमें जोन के बाहर स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। इवन अगर हम फिर से कुछ और स्क्वाड्स को देखें तो टीम स्मोकी वो यहाँ पे प्लेबल एरिया थोड़ा सा बाहर रहने वाले हैं, एज पर रहने वाले हैं। टीम बी वाई सेवन के आइकॉनिक वो यहाँ पर जोन के थोड़ा सा बाहर रहने वाले हैं। सो ये यहाँ पे कुछ सोलो स्टैंडिंग हमें देखने को मिले, सोलो डुओ स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये काफी ज्यादा भी यहाँ पर जो डिसएडवांटेज साइड पर जरूर रहेंगे। लेकिन रेज का स्क्वाड वंस अगेन दे रहे हैं बैक इन द फाइट, एंड सामने की तरफ रहने वाले टीम्स हैं टीम टीजी आई बिलीव, उनके खिलाड़ी को नॉक भी जरूर कर दिया जाता है। आज में जहां तक हो सकता था हर प्लेयर ने अपने भरपूर हाथ साफ किए, प्लेयर ने भरपूर हाथ साफ जरूर किए, लेकिन एजल भी कैंडी का फायर आता है ज़ायरो जे के ऊपर डायरेक्ट ऑन द हेडशॉट, बुलेट्स कनेक्ट करती हैं, प्लेयर नॉकआउट होते हैं। उसामा के पास भी सिमिलरली एक ग्रेनेड जो कि है उसकी ट्रैजेक्टरी आती है, डैमेज उस ग्रेनेड का जरूर मिलता है। लेकिन लुक एट दैट, कहीं ना कहीं से टीम स्टार को हेल्प मिलती है टीम रेज की तरफ से, क्लोज बाय विसिनिटी के अंदर टीम स्मोकी स्पोर्ट्स जो कि मिलता है। लेकिन रोशान एक और किल के साथ, एक और अपने नाम सिक्योर करते हैं किल, एंड 13वें किल के साथ अब ये जो कि प्लेयर रहेंगे वो अपनी ट्रैजेक्टरी, अपना जो कि मोमेंटम है उसको जोन के अंदर लेके जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस दौरान बकाया फाइट की अगर बात की जाए तो यूएजी की ये फाइट जो कि रहती है टीजी के खिलाफ वो जरूर चलती है, टीम बट रेज जो कि है वो भी फाइट के अंदर जाती है। लेकिन स्नेक्स की तरफ से एक टीजी के डिस्ट्रॉय को नॉकआउट किया गया, फिनिश ऑफ मिलता है राइट एट दैट टाइम। लेकिन उस दौरान इवल एमएक्सएस जो कि है वो जरूर नॉकआउट हो चुके हैं फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। फाइट का जो कि सिनेरियो है रोशान का दोबारा से बनता है, एक नहीं दो प्लेयर्स को एलिमिनेट कर चुके हैं प्लेयर, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये अकेले सोलो प्लेयर हर टीम के ऊपर इस वक्त भारी पड़ रहे हैं, जिस एंगल पे जाते हैं वहां पर इनको कोई ना कोई प्लेयर जरूर मिल जाता है। लेकिन फाइट की अगर बात की जाए, इन्होंने और दो किल किए, 15 किल जो कि इनके पास सिक्योर हो गए उस दौरान। अब जाके टीम यूएजी वो भी आई थिंक इनको कुछ हद तक जरूर देख रही है, लेकिन इनटू द किल फीड द यूएजी
जी ही टैग के कॉस्मोस ही रहने वाले हैं जो कि अपने लिए पहला किल इनिशिएट करते हैं आर3 जी के रोशान को एलिमिनेट करने के बाद, और एक अच्छी एक डोमिनेटिंग जो कि सोलो प्लेयर चल रहे थे अपनी टीम के लिए उस प्लेयर को इधर नॉकआउट जरूर कर दिया जाता है। लेकिन जेन की अगर पोजीशन देखी जाए, जेन काफी इधर दूर रहते हैं, अपना एम फोकस कारल के इनफेक्ट 3x का स्प्रे जो किया है उसको इस्तेमाल करेंगे एक लॉन्ग रेंज से ड्रॉलिन को कवर देने के लिए, जहां पर ड्रॉलिन क्लोज विसिनिटी के अंदर दो टीम्स के ऊपर आ चुके हैं। स्नेक से एंगल पे रहते हैं, स्नेक के ऊपर एक कंसिस्टेंट फायर, लुक एट दैट डैमेज, लुक एट दैट एंगेजमेंट, एक और नॉक जेन की तरफ से मिलता है और सातवां किल टीम रेंज अपने नाम जरूर लेके जाएगी। लेकिन अभी भी फाइट का जो कि सिनेरियो है वो रुका नहीं है, जहां पर से जेन ने अपना काम कर दिया, अब बारी आती है ड्रॉलिन को करने की। एक तरफ से ट्रॉलिंग फायर दे रहे हैं, दूसरी तरफ से जेन फायर देंगे, एंड देयर वी गो, ट्रॉलिंग का ये किल जो कि है वो भी सिक्योर हो जाता है विद अ टोटल ऑफ 9 किल्स। दिस टीम इज राइट नाउ ऑन एन अमेजिंग स्टार्ट। फाइट को अब 4v4 पे चेंज किया जाएगा अगेंस्ट द टीम TFT एंड द टीम रेज। तो बिला लेकिन फिर से उनको स्पॉट कर लिया जा चुका है, वंस अगेन वाज डाउन टू 1 HP, लेकिन अब बिलाखिर फर्स्ट एड लगाने का टाइम मिल। अपने नाम जरूर ले जाती है विद 13 अमेजिंग अमेजिंग किल्स। पोर्टल जिस तरह से टीम रेज स्टार्टिंग के अंदर नॉक हुई थी, देयर वाज अ फैक्टर कि H2 अगर एक कंप्लीट स्क्वाड के साथ रशन कर जाती तो दे कुड हैव गॉट लाइक एक अच्छी हेड स्टार्ट अगेंस्ट द 3v4 फाइट, उसको विन कर सकते थे। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करने की वजह से और ड्रॉलिन का जो कि रिवाइव मिल जाता है उसके बाद बकाया सारी मूवमेंट चेंज हो जाती है इन द फेवर ऑफ द टीम रेज। एग्जैक्टली, लेकिन स्टिल टीम TFD को फिर भी दाद देना पड़ेगी कि टीम 40 डेविल्स ने बेहतरीन एफर्ट किया, टीम SU के JD जो उनके साथ मौजूद थे वो भी अभी शाना बशाना प्लेयर्स के थ्रू लड़ते हुए दिखाई दिए, एंड जिस तरह से ऑब्वियसली आगाज किया गया था लियोन की तरफ से विद दैट नॉकआउट ऑन ड्रॉलिन, ऐसा लग रहा था अभी कि शायद टीम TFD उस चीज को यहाँ पर जब लूज नहीं करेगी, टीम रेज को यहाँ पर जब नहीं वापस आने दिया जाएगा। लेकिन रेज का स्क्वाड भी खैर अगेन अच्छे, दोनों ही स्क्वाड से रेज का स्क्वाड अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाता है, फॉरन से बैक साइड से पेस जाते हैं, अपने आइडल को अप किया जाते हैं, टीम रेज देखते ही देखते हमें यहाँ पर चीजें अपने फेवर में जरूर लेके जाते हुए दिखाई दी। एंड वंस अगेन पहले मैच में जहाँ पे हमने 10 किल्स के साथ एक टीम को विनर विनर चिकन लेके जाते हुए देखा, इस मैच में 13 किल्स का विनर विनर चिकन देखना डेफिनेटली इज अ वेरी गुड साइन, और ये चीज हमें यही बता रही है कि आगे आने वाला जो टाइम रहने वाला है
उस टाइम में उस आखिरी मैच के अंदर आप इससे भी ज्यादा शायद खेल जरूर देखने वाले हैं। सो जो मामला आता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बन चुके हैं, चीजें बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो हमें नाजुक मोड़ों पर जो पहुंचते हुए नजर आ रही है। हालात सन मैचेस बहुत सनसनी के रहने वाले हैं, आप लोग ये मैचेस मिस नहीं करने चाहिए। मेक श्योर कि आप लोग लाजमी स्ट्रीम को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर जहां जहां पे आपके पबजी मोबाइल के का जो एक सर्कल है वो रहता है, एंड आपके जो जो भी यहाँ पे फेलोज है वो भी स्ट्रीम पर लाजमी अपने फेवरेट टीम्स को आप सपोर्ट करें, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टीम जो कि आप चाहते हैं वो आपको इन एक्शन जरूर दिखाई दे रही है। एंड ये जो यहाँ पर मैचेस हैं वो अगेन बहुत बेहतरीन भी जरूर जा रहे हैं। सो काफी सीखने को रहेगा, काफी कुछ यहाँ पर एज ए व्यूअर भी आपको अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल एज ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो मैच वन के बाद भी थोड़ा सा आप लोगों से जो ब्रेक लिया था, मैच टू के बाद हमारा थोड़ा सा अगेन यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे मैच नंबर थ्री के लिए भी। एंड आप लोगों ने वंस अगेन जाना कहीं नहीं है, मेक श्योर टू लाइक द स्ट्रीम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर टू शेयर द स्ट्रीम अगेन एज वेल। एंड मिलते हैं आप लोगों से इस छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द डीएसए कमबैक इनविटेशनल। और एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आप सभी को हमारे ग्रैंड फिनाले के एक्शन के अंदर, जिसका ये रहने वाला है हमारा डे वन। और डे वन पर हमारे तीन मैचेस प्ले होना थे, जिसमें से दो मैचेस हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। और बिफोर द ब्रेक हमारा जो दूसरा मैच था मिरामार का, हम इख्तिताम पर जरूर होता हुआ दिखाई दे चुका था। लेकिन इससे पहले कि अब हम हमारे थर्ड मैच की तरफ जाएं, वंस अगेन ऑन द कास्टर डेस्क दिस विल बी कास्टर गेमिंग पोर्टल YT। एंड एक बार फिर से मुझे इस आखिरी मैच को ज्वाइन करने के लिए दोबारा फिर से ज्वाइन कर चुके हैं टॉरिक्स। और टॉरिक्स आपको भी खुशामदीद कहेंगे हमारे इस आखिरी मैदान पर जाने से पहले। थैंक यू सो मच पोर्टल वंस अगेन फॉर दैट वार्म वेलकम। एंड यस द डे वन का आखिरी मैच जो कि सैनो का रहता है, वो कुछ ही देर के अंदर स्टार्ट जरूर कर दिया जाएगा। लेकिन वंस अगेन 18 टीमों ने ज्वाइन इन करना है, उन्होंने खेलना है। और सैनो के अंदर वी ऑलरेडी नो एक तबाहकुन मोमेंट जो कि है वो जरूर हमें देखने को मिलता है। तो चलते हैं डायरेक्टली उस तबाहकुन मोमेंट को विटनेस करने के लिए सैनो के मैच की तरफ। और प्लेन लाइन जो कि है प्लेन पाथ, वो तो हम नहीं देख पाए, लेकिन कहीं ना कहीं से खाओ से वो स्टार्ट होता है। और फिनिश ऑफ जो कि उस प्लेन लाइन का हमें देखने को मिला था, दैट वाज एक्चुअली समवेयर नियर द बांताई एरिया। बांताई एरिया पे वो खत्म होता है। लेकिन लुक एट दैट पोर्टल, अर्ली स्टेजेस की फाइट्स, बूट कैंप पे एक नहीं दो नहीं तीन टीमों का क्लस्टर जो कि है वो फॉर्म अप हो रहा है। खाओ के पास दो टीम्स का हमें क्लस्टर फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, हाथिन के पास दो टीम्स जा रही है। एंड एट द सेम टाइम इवन मोगनाई पे भी टीम्स का जो फाइट है वो स्टार्ट कर दी जाती है। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि काफी ज्यादा जगहों पर फाइट्स का जो कि इनिशियलाइजेशन है वो कर दिया जा चुका है। नाउ वी विल हैव टू सी, नाउ वी विल हैव टू गो एंड विटनेस के फाइट्स किस तरह से टीम्स ना तो सिर्फ ले रही हैं बल्कि उस चीज को अपने फेवर में किस तरह से लेके जाती हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज हीट मार्कर्स ने खैर बहुत सारे जगह पर हमें दिखाई दिया टीम द फिनिशर्स के कुछ प्लेयर्स शायद इस मैच में हमें एलिमिनेट जरूर होते हुए दिखाई दिए। टीम एस टू ऑलरेडी अपने खिलाड़ी इस मैच में गवा चुकी है, रेक्स भी नॉक यहाँ पे कर दिए जाते हैं। सो काफी हमें जो यहाँ पर ट्रबल्स दिखाई दे रहे फॉर द टीम। लेकिन अभी जहाँ पे स्क्वाड सामने रहने वाला, वहाँ पर थेक्स के आचन को डैमेज दिया जाएगा। टाज विद डैमेज कोशिश की गई की तरफ से कि नॉकआउट जरूर निकाला था, लेकिन बदकिस्मती रही इनकी, वो नॉकआउट नहीं निकाल पाएंगे। उल्टा इनके अपने फिर से खिलाड़ी को नॉकआउट किया जाएगा। मेरिकल का शानदार नेट आता है और टीम एस टू की रेक्स ना सिर्फ इस नेट की जद में आकर स्मार्ट से एलिमिनेट होते हैं बल्कि ड्रेड को भी नॉक कर दिया जा चुका है। टार्जन नाउ विल बी द लास्ट रो फॉर द टीम, सारे के सारा प्रेशर पर आ चुका है। टीम से के पास नंबर्स एडवांटेज रहेगा, प्लेयर्स टोटली अब हम यहाँ पर जो अंदर अंदर रश शुरू करते हुए दिखाई देंगे। अगर उनके पास डीबीएस यहाँ पर मौजूद होगी तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टार्जन यहाँ पर बेबस हो सकते हैं। शायद टार्जन को फिर यहाँ जो कुछ ना करने दिया जाए, बिकॉज इस साइड पर अभी जहाँ पे डीबीएस के बात कर ही रहे थे वहां पर हमें प्रैक्टिकल जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। टीम आते से खिलाड़ी वो डीबीएस के साथ आगे जा रहे हैं, सामने की तरफ जवाद वो कोशिश करेंगे विद द डीबीएस इन फैक्ट एज वेल कि वो टैकल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी डीबीएस यहाँ पे इनका साथ नहीं देगी। काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं फायर करने में, लेकिन सामने वाले खिलाड़ी बाकू यहाँ पे देरी नहीं करते और उनका एक फायर सामने वाले खिलाड़ी को स्मार्ट से एलिमिनेट जरूर कर चुका है। लेकिन यूजी मैक्स मैच बैक टू बैक दो नॉकआउट्स उनके पे फिर से निकाले जाएंगे। आरसीसी की स्टार वंस अगेन विल बी शाइनिंग दो बैक टू बैक, तीसरा भी नॉकआउट होता है या तीन निकाले जाएंगे। 1v4 ऑलमोस्ट था, लेकिन नो सो क्लोज बट येट सो फार। और अनफॉर्चुनेटली चौथे यहाँ पर जर्किल की तरफ जाते जाते वो खुद ही अपने आप को इस मैच में यहाँ पर जब हमें बाहर करवाते हुए जरूर दिखाई दे जाएंगे। सेम गोज फॉर पाकू एज वेल, वो भी शॉटगन के साथ आगे गए, लेकिन सामने भी शॉटगन ही मौजूद थी एंड जिसकी शॉटगन पहले चल रहा थी वो दूसरे की यहाँ पर जो जिंदगी का फैसला करने वाला था। अनफॉर्चुनेटली ये चीज टीम R360 के लिए हमें जब नफी में रहते हुए नजर आई। बिल्कुल टीम R360, लेकिन जो कि इनिशियलाइजेशन था इनका, स्टार्ट जो के था लिया गया, तीन प्लेयर्स को नॉकआउट करते हैं इनफैक्ट। और उसके बाद आखिरी प्लेयर ना तो सिर्फ उनको एलिमिनेट करते हैं बल्कि उनके साथ साथ बकाया जो कि प्लेयर्स थे और पीछे से आए उनको भी एलिमिनेट करके अपनी टीम के लिए टोटल तो दो किल निकाले, लेकिन टीम बचा ली जाती है। लेकिन दूसरी जानब इन टू द बूट कैंप साइड हमें फाइनली अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम बूट कैंप सर्वाइव करते हुए देखने को मिलती है, दैट नेम इज द टीम 3X दिस टाइम अराउंड। मिरेकल के पास दो किल रहने वाले हैं, जबाब के पास दो किल, मोमटू के पास दो किल एंड एक किल जो किया वो ऐश के पास जाता हुआ विद अ टोटल ऑफ 7 किल्स। दिस टीम एक बूट कैंप को जो किया है अपने लिए फुली कंप्लीटली सिक्योर करते हुए जरूर नजर आएगी, जो कि अर्ली स्टेजेस की फाइट थी उसमें चार टीमों का एक एलिमिनेशन जो कि है एक ही झटके के अंदर हमें देखने को मिला है पोर्टल, जहां पर एक नहीं चार टीमें जहां पर एलिमिनेट हुई, जो कि 72 का नंबर था वो 54 पे गिर जाता है। और अभी अभी क्लस्टर्स जो किए हैं वो बकाया रहते हैं क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ दो क्लस्टर्स देखे। वी फर्स्ट विटनेस लाइक एटलीस्ट 4 to 5 क्लस्टर्स, जहां पर हम क्लस्टर्स की बात कर ही रहे हैं। टीम 5 आरसी, नाउ दीज गाइस आर इन अ क्लस्टर फॉर्मेशन जहां पर इनके क्लोज में टीम डी लॉर्ड रहने वाली है और बिल्कुल पीछे ही टीम नॉर्थ ईस्पोर्ट्स का नाम भी जरूर नुमाया होता है।
बेशक, लेकिन ये जो यहाँ पे फाइट अब हमें दिखाई देगी, विल हैव टू सी दो कि कौन इस फाइट से इस मैच से एलिमिनेट होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छा खासा एक्शन विटनेस कर चुके हैं एंड हम एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं एक इस तरफ भी कि शायद हमें एक और टीम जाते हुए दिखाई दे, लेकिन जहां पर हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं मजीद टीम्स के इस मैच से जाते कुछ मैच से जाते हुए देखने की, वहीं पर अगर आप मैच की बात करें तो डोंट फॉरगेट दैट ये भी सिर्फ यहाँ पे स्टेज वन ही है, यहाँ पर अभी हम मैच में ज्यादा आगे नहीं गए हैं, अर्ली स्टेज ऑफ द मैच है एंड इस तरह के फेजेस पर आप मैच में डेफिनेटली सानो के मैच में एक्सपेक्ट जरूर करते हैं टीम से कि वो फाइट में आएंगी, काफी ज्यादा आपके एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली फॉर द टीम्स ये चीज ज्यादा अच्छी नहीं हमें बनते हुए दिखाई दे इस मैच में, बिकॉज एक से दो स्क्वाड आते हैं तो चले आपके एक से दो टीमों के लिए मुश्किल बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आई थिंक तीन स्क्वाड कम से कम इस मैच से एलिमिनेट हुए हैं, सो ये जो यहाँ पर मुश्किल हैं वो जाहिर है एक से दो के नहीं बल्कि तीन से चार टीमों के लिए बनती रही, एज ऑलरेडी मेंशन बाय टॉरिक्स एज वेल कि चार टीमें ऑलरेडी इस मैच से जा जरूर चुकी हैं, सो लेट्स सी किसके लिए मजीद मुश्किल बनती हैं, कौन हमें इस लॉबी को जरूर ज्वाइन करता है दिखाई देगा उन चार टीमों के साथ, बिकॉज टीम आर थ्री जी वो भी सफर जरूर यहाँ पर तय कर रही थी, आर थ्री के वजह जहाँ पे वो बाइक पे जा रहे थे वहीं पर रस्ते के अंदर उनको टीम रेड जो कुछ खिलाड़ी जरूर मिल जाएंगे, आर जी बॉस विद नेट इन द हैंड नेट के जरूर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन इन रिटर्न उनके टीम को नॉक जरूर कर दिया जाता है, टीम आर जी तो डिसएडवांटेज में जरूर जाते हुए दिखाई देगी, दांते बॉय अपने आप को हील अप जरूर करना चाहेंगे, लेकिन टीम Oh आदि my की गाड़ी God. वो नहीं रुकने वाले, बगी लेके पहुंचे कुचला जाएगा, यस फॉर श्योर दांते बॉय गाड़ी के नीचे आएंगे, गाड़ी के साथ में आकर उनको नॉक किया जाएगा, टीम आदि को रोशन वंस अगेन एक और नॉक जरूर निकालेंगे, यकीनी तौर पर किल भी उनको मिल ही जाता है, टीम रेड जोन डाउन टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग, लेकिन बॉस खुद को हमलावर बनने की कोशिश करते हुए ऑलमोस्ट उसमें कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन स्टिल वही सिर्फ इस मैच से जाएंगे एंड टीम आरसीजी का कोई भी खिलाड़ी यहां पर नॉक नहीं हो पाता। बिल्कुल जी, टीम R3G एक भी अपना खिलाड़ी नॉकआउट नहीं करवाते अपने लिए, चार किल्स इनफैक्ट तीन किल्स जो कि वो लेके जाते हैं, लेकिन ओ माय गॉड दानियाल को इर्तू का एक S12 के का फटका लगता है, इजी बॉय साथ ही साथ वो भी हमें किल फीड के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन जहाँ पर TFD और TF की फाइट चल रही है उधर ही टीम डी लॉर्ड दे गेटिंग एंगेज विद नॉट वन बट टू टीम्स, वन ऑफ देम इज द फाइम, दूसरी टीम जो कि रहती है वो टीम नॉर्थ ई स्पोर्ट्स का नाम जरूर देखने को मिलेगा, और एक ये जो कि थ्री वे डेडलॉक में अब इन तीनों टीमों ने जाना है, एक छोटी सी गलती किसी भी टीम की तरफ से मींस के एक एनाइलेशन का जो कि सिनेरियो है उस टीम के प्लेयर का वो जरूर देखने को मिलेगा, फाइन बेशक अभी चार प्लेयर्स पे रहती है लेकिन इनका जो कि स्प्लिट एंगल रहता है दैट इज एक्चुअली अ ट्रियो वर्सेस अ सिंगल प्लेयर का रहेगा, नॉर्थ ई स्पोर्ट्स सिमिलर साइड पे चार एक डिफरेंट लाइक पोजिशन जो कि अपने नाम सिक्योर कर जाती हैं, टीम डी लॉर्ड का जो कि नाम रहता है वो एक लाइन में हमें जरूर देखने को मिल रही है एक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, लेकिन द बेस्ट प्लेस आई से जिस टीम के पास रहती है वो टीम नॉर्थ ई स्पोर्ट्स इस जगह पर रहेगी, फाइनली टीम फाइन भी अब जो कि है वो 2-2 का स्प्लिट सेल बना के आगे की तरफ मूव ऑन करिए, एक तरफ टीम डी लॉर्ड से लड़ेंगे दूसरे प्लेयर जो कि हैं वो टीम नॉर्थ ई स्पोर्ट्स के साथ जरूर फेस ऑफ करेंगे, लेकिन आयरन 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 पीक इन्होंने पहले कर लिया है, DBS साथ में रहने वाली, और अगर अगर प्लेयर इस जगह से एंटर किए आगे की तरफ आए तो एक फटका DBS का वो जरूर इनका इंतजार कर रहा होगा पोर्टल, बिल्कुल, लेकिन टीम नॉर्थ ई स्पोर्ट्स के प्लेयर से पहले कह रही है यहाँ पे हमें नॉकआउट निकालते हुए दिखाई दे, किल पिट के अंदर में कुछ नॉकआउट जरूर दिखाई देंगे ऑन द वेरी द साइड एंड दैट विल बी टीम R3G जो कि हमें बैक टू बैक फाइट्स में जाते हुए जरूर नजर आ रही है, इस दफा टीम R3G को नुकसान उठाना पड़ेगा, टीम R3G के दो खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं, रोशान स्टक हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर उनको नॉक निकालना चाहिए था और वो निकाल भी सकते थे नॉकआउट, बदकिस्मत रहेंगे कि वहां पे वो स्टक हो जाते हैं, खुद को नॉक करवाया जाएगा टीम R3G मेनली, ये हमें अब हमें सिर्फ जो यहाँ पर डाउन टू वन मैन ही रहते हुए दिखाई देंगे, बाज अब टीम के लिए आखिरी प्लेयर के तौर पर जिम्मेदारी हमें जरूर अंजाम देते हुए दिखाई देंगे, इससे पहले या इनफैक्ट ये यहाँ पर बजाय इसके कि ये हमें आगे बढ़कर खुद को इस मैच में किसी और फाइट में लेके जाते हुए नजर आए, वो अपने आप को सेफ साइड पे लेके जाना प्रेफर करते हैं, गाड़ी ली जाती है टीम R3G वाज लेट सी कहां वो जाते हैं, लेकिन फाइन के बॉब उनको भी खैर नॉकआउट जरूर किया जाएगा एंड बैक टू बैक शॉटगन चल दिए DBS एंड DBS ऑल द वे जरूर चलाई जा रही है, लेकिन टीम फाइन के आरसी की प्रेफर इज वंस अगेन विद द DBS फिर से वो नॉकआउट निकालने का भी एनएस के आयरन है वो नॉक होते हैं आरिफ उनको नॉक किया जाता है, बैक टू बैक नॉकआउट्स आ रहे हैं, किल्स भी कंफर्म किए जाएंगे, थोड़ी देर पहले इस एंड पर हम देख रहे थे कि टीम NES के आई थिंक आयरन के पास है जब DBS मौजूद थी वो पीक भी कर रहे थे, लेकिन जैसे हम वापस आते हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी DBS उनका साथ नहीं देती है, लेकिन टीम फाइम के फ्रैगर की DBS उनका साथ जरूर दे जाती है, बिल्कुल जी फाइम के फ्रैगर की DBS जो की है वो जरूर उसमें फ्रैग निकाल रहे हैं, लेकिन स्नो वंस अगेन लास्ट मैच के अंदर जिस तरह ये प्लेयर सोलो सर्वाइव कर रहे थे एक दफा फिर से इस दफा
अहमर के साथ एक डुओ फॉर्मेशन में आएंगे, लेकिन फ्रैगन ने हाथ में ग्रेनेड पकड़ लिया। अगर ये ग्रेनेड इस जगह पर आ जाता है तो इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर सिचुएशन, लेकिन मिस करेंगे उस ग्रेनेड को। पीछे से टीम डी लॉर्ड का फायर रहने वाला है और ये आखिरी किल जो कि टीम फाइम करेगा, वो टीम डी लॉर्ड अपने नाम जरूर लेके जाएगी। नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स के पास भी एक किल सिर्फ इस सारी की सारी सिचुएशन में आता है, लेकिन उस दौरान अपने दो प्लेयर को जो कि ये गवा चुके हुए हैं, दैट इज अ बिग ब्लो टूवर्ड्स दिस टीम। दो प्लेयर को गवा देना और टीम डी लॉर्ड जहां पर से आपके ऊपर एग्रेस कर रही है उसमें एक 3v2 फाइट के अंदर जा रहा है। टीवीएस का फेस टू फेस फाइट, एक प्लेयर दोबारा से स्नो नॉकआउट हो जाते हैं विद द लाइक प्रिसाइज रेज 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 पीछे से कवर दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं प्रीतम को, वहां पर से नॉकआउट किया जा सकता था लेकिन प्रीतम बच जाएंगे बिकॉज बैक साइड से जो कि रेज आते हैं वो एक और किल अपने नाम जरूर लेके गए। 5 किल टोटल सिक्योर हो गए, लेकिन लुक एट दैट R3G के बाद जो कि सोलो प्लेयर में थे S12 के CX के मिरेकल की तरफ से लगती है, एंड जहां पर से मुड़ के भागे थे उसी जगह पर उन्हीं प्लेयर्स के सामने आके दोबारा से आखिरी किल भी दे जाते हैं। नाउ द टीम 3X हैव अ टोटल ऑफ 12 किल्स और अभी ये पहला स्टेज नहीं दूसरा स्टेज 13 सेकंड के बाद खत्म होगा पोर्टल, और इस 13 सेकंड के बाद जहां पर से ये स्टेज ने बंद होना है तब देखने को ये बाकी रहेगा कि हाउ द टीम्स विल गो फॉर द नेक्स्ट सर्कल। Exactly, और हमारा अगला जो सर्कल शिफ्ट है वो भी खैर यहाँ पर आ चुका है। लुक एट दिस सर्कल एज वेल, ये सर्कल शिफ्ट भी हमें हमारी जो टीम सेंट्रलाइज हमें जो कुछ टीम होती है दिखा रही है, उनके अगर हम बात करें टीम स्मोक के पास सर्कल का एज रहेगा, टीम हमारे पास अगेर 7 क्रेज का स्क्वाड के पास पैराडाइज का एरिया यहाँ पर सर्कल के अंदर रहने वाला है। देन मूविंग ऑनवर्ड अगर हमारे टीम में 14 के स्क्वाड की बात करें तो इस टीम के पास यहाँ पर जो TG का स्क्वाड यहाँ पर रहने वाला है, टीम FE के जो प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं इनके पास भी सर्कल का कुछ शिफ्ट हमें जरूर देखने को मिल जाता है कि ये टीम भी सर्कल से काफी ज्यादा फेवर जरूर हो चुकी है। लेकिन टीम स्मोकी स्पोर्ट्स के साथ डेड मोलोटोव इन द हैंड की तरफ कोशिश की जाएगी कि सामने रहने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको नॉक जरूर दिया जाए, एंड विल सी कि क्या इनको यहाँ पर नॉकआउट मिलते हैं। यहाँ पर बदकिस्मती रहेगी इनकी तो इनको यहाँ पर नॉकआउट होना पड़ेगा। लेकिन किलपिट के अंदर वन हिट सुपर बॉय जो यहाँ पर रहने वाले थे वो कह नो मर्सी को जरूर स्मार्ट से एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। टीम 1v1xBY7 के वो स्क्वाड है जो कि सामने रहने वाली टीम के साथ फाइट में जरूर जाता है, एंड फाइनली स्मोकी को ही स्मार्ट से एलिमिनेट किया जाएगा। इट विल बी टीम BY7 जो कि अपने लिए दो किल्स इस फाइट के बाद जरूर कंफर्म कर जाती। बिल्कुल जी, इस फाइट के बाद दो किल जो कि हैं 1v1 BY7 फाइनली अपने नाम जरूर लेके गई है, लेकिन सर्कल वंस अगेन पोर्टल वो टीम्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात देने वाला है। सर्कल ने जिस वक्त अपनी शिफ्ट दोबारा से लेके जानी है, ये तीसरा स्टेज है सैनहॉक। वी ऑलरेडी नो कि सर्कल का जो कि डैमेज होता है वो इंक्रीज हो चुका हुआ है, टीम्स को बहुत मोहतात रहना है। आपका तीसरा चौथा सर्कल जो कि है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बन सकता है, लेकिन सैनहॉक की एक खासियत रहेगी कि इसमें आपको हीलिंग्स जो कि हैं लूट जो कि है वो ज़्यादा मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा लूट भी रहती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हम देखते थे कि हील बैटल की तरफ जो कि टीम्स हैं वो जाती हैं, लेकिन उस चीज़ को टैकल करने के लिए सैनहॉक ने अपना और डैमेज जो किया वो बढ़ा दिया। एंड अब जो कि हील बैटल के अंदर हमें टीम्स जाते हुए देखने को मिलती थी यूजुअली, वो अब जाके फाइट्स की तरफ प्रेफर जरूर करती हैं। 1v1 दे वर आउटसाइड द सर्कल, उनको भी जल्दी से जल्दी सर्कल में पहुंचना है, लेकिन डी लॉर्ड की टीम 5 किलो ने सिक्योर किया, सर्कल का जो कि शिफ्ट है वो भी इनकी तरफ से सिक्योर हो जाता है, लेकिन इनके बिल्कुल सामने एक एंगल पे यूसुफ रहने वाले हैं और दूसरे एंगल पे आई थिंक कॉस्मोस जो कि हैं वो जरूर रहेंगे। एंड कॉस्मोस जो कि हैं वो ऑलरेडी टीम स्मोकी ईस्पोर्ट्स के HLV लाइनअप को देख रहे हैं, ऑनिस को स्पॉट किया जाता है, लेकिन एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हो रही, एंड दैट इज अ बिग ब्लो कि एक भी अगर बुलेट कनेक्ट करे नॉकआउट अगर निकाल लेते हैं तो देन डेफिनेटली एक प्लेयर के ऊपर प्रेशराइज जो कि है सिचुएशन वो आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन खैर अभी तक के लिए जो कामयाबी वो तो इनको नहीं मिल पाई, लेकिन वी विल वेट फॉर इट दो कि कब जाके यहाँ पे प्लेयर्स हमें कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। एंड इन पर्टिकुलर टीम में UAGX मैक्सिमस का स्क्वाड अभी तक चिकन डिनर नहीं निकाल पाए, क्या वो चिकन डिनर टीम के लिए स्मार्ट में रहेगा यहाँ पर नहीं, लेकिन फिलहाल जहाँ पे चिकन डिनर की हम बात कर रहे थे वहीं पर टीम UAG के एवल मैक्सिमस स्मार्ट से एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे, एंड दैट गाइस जिन्होंने अभी तक टीम के लिए दोनों किल्स निकाल रखे थे उनको स्मार्ट से एलिमिनेट करना, उनका इस मैच से यहाँ पर जो बाहर हो जाना यकीनन ये चीज टीम UAGX मैक्सिमस को जरूर हर्ट कर चुकी है। और टीम UAGX मैक्सिमस के जो बाकी तीन खिलाड़ी स्नेक कॉस्मोस एंड यूसुफ अब इन तीनों के ऊपर यहाँ पे जिम्मेदारी भी आयद हो जाएगी कि हमें इस मैच के मोमेंटम को फिर से यहाँ पर अपनी तरफ लाना है, कोशिश करना है कि जो किल्स हैं वो यहाँ पर ना रुके, हमारे जो टीममेट ने यहाँ पर जो दो किल्स निकाल के रखे हुए थे उस नंबर को और भी ज्यादा आगे जरूर लेके जाया जाए। लेकिन ऑन द वेरी राइट साइड वंस अगेन हमारा जो सर्कल है वो भी ऑन द मूव रहने वाला है, नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट में कुछ देर बाद जरूर देखने को मिल जाएगा। लेकिन टैटमोक साइड पर टीम स्मोकी एक्स HLV का जो स्क्वाड है उनकी तरफ से हमें कुछ हीट मार्कर जरूर दिखाई दे रहे हैं। वी विल हैव टू सी आफ्टर दिस सर्कल शिफ्ट कौन इनके पास मौजूद है, किस तरह से वो फाइट ली जा रही थी, अगर वो स्क्वाड वहां पर रहने वाला है
तो क्या टीम स्मोकी स्क्वाड को वन करेगी यहाँ पे नहीं, लेकिन फिलहाल सर्कल शिफ्ट जरूर लेके जा चुके हैं, थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड पे सर्कल हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, सर्कल जो कि है वो कुछ एक ईस्टर्न साइड और एक सदर्न साइड की तरफ जरूर जाता है, जिसमें से पैराडाइज का हाफ एरिया हाफ सिटी जो कि इस वक्त सर्कल के अंदर रहती है। लेकिन लुक एट दैट, देन अपनी टीम से काफ़ी दूर रहते हैं इन टू द किल फीड। हमें टीम डी लॉर्ड के नॉकआउट्स जो कि हैं वो जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी के लिए जेन की बात की जाए, जेन अपनी टीम से दूर रहते हैं। बकाया प्लेयर्स फिनिशर्स ज़िबियान और ड्रॉलिन वो एक डिफरेंट एंगल पे, एक डिफरेंट पोजिशन पे रहने वाले हैं, जो कि एक किल के साथ ये टीम टोटल सर्वाइव करी है। रिमेंबर इनकी तरफ से लास्ट मैच जिस तरह से खेला गया मेरा मार, ओ माय गॉड, जिस तरह से इन्होंने सर्वाइव किया, जिस तरह से इन्होंने अपने प्लेयर को वापस रिवाइव दे के एक पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज की, और ना तो सिर्फ वो सिचुएशन चेंज की बल्कि विनर विनर चिकन डिनर दूसरी टीम के बिल्कुल एक क्लोज से छीन लिया जाता है इस मैच के अंदर। अभी के लिए वो फ्रैग्स, वो एग्रेशन जो कि इस टीम का नहीं देखने को मिल रहा। पोर्टल सिमिलर साइड पे आथ्री जी भी जो कि थी लास्ट मैच के अंदर एक बहुत उम्दा खेलते हुए नजर आई, अभी के लिए उनका नाम जो कि आई थिंक वो भी टीम कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुकी हुई है। लेकिन अब इस मैच के अंदर, इस तीसरे मैच के अंदर जो कि सैन हॉकर रहने वाला है, उसके अंदर एक ऐसी टीम है जो कि एक अच्छी एग्रेशन जो कि दिखा रही है। लेकिन उससे पहले ड्रॉलिन को नॉकआउट मिल जाएगा, पैराडाइज रिजॉर्ट के एरिया में प्लेयर जो कि हैं वो आएंगे रिवाइव देने के लिए, लेकिन विल फिनिशर बी एबल टू गिव आउट दैट रिवाइव, क्योंकि सामने 141 BY7 का लाइनअप है और एक तरफ से सुपर बॉय वो एंटर जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिनिशर वो इनको स्पॉट डाउन जरूर कर लेंगे। एग्जैक्टली और फिनिशर की तरफ से किरण कोशिश भरपूर रहेगी कि वन हिट सुपर बॉय को यहाँ पर नॉकआउट किया जाए, और वो जो यहाँ पर ट्रेड है वो टीम रेज भी करने में कामयाब जरूर हो जाए, लेकिन सुपर बॉय फाइनल की तरफ से यहाँ पर नेड निकाला जाएगा। टीम रेज के फिनिशर वो भी मैं नेड निकालते हुए दिखा देंगे, फिनिशर का नेड चाहता है और अनफॉर्चुनेटली ये नेड विल्सन में चला जाएगा, वो डैमेज हो पाएगा, बट फिनिशर BY7 के आइकॉनिक को नॉक करेंगे, इब्बी को नॉक किया जाता है, बैक टू बैक दो नॉकआउट्स निकाले जा चुके, सुपर बॉय अभी भी नीचे मौजूद रहने वाले, अच्छा चांस हो सकता है कि 1v3 यहाँ पर हो जाए, मे बी हमें एक स्क्वाड वाइप भी देखने को मिले अगर यहाँ पर फिनिशर चीज जो है अंजाम अंजाम करने में कामयाब हो जाते हैं तो। लेकिन फिनिशर नीड टू बी केयरफुल एज वन विट सुपर बॉय इनको सरप्राइज करेंगे, शॉटगन निकाले जाते हैं, फाइनली दे वी हैव इट, दो शॉटगन के साथ हमें किल कंफर्म किया जाएगा, और देखते ही देखते रेज के फिनिशर तन तनहा टीम BY7 का जो स्क्वाड था उसको स्मार्ट से एलिमिनेट करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, और रेज ड्रॉलन के एक नॉकआउट के ट्रेड को, एक नॉकआउट को यहाँ पर जिसका जो बदला था वो बदला इस तरह से यहाँ पर लिया जाता है कि मुखालिफ पूरे के पूरे स्क्वाड को ही इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है, एंड दिस क्लियरली जस्ट टेल्स यू अबाउट द रेज ऑफ टीम रेज। रेज ऑफ द टीम रेज डेफिनेटली एक राइम जरूर बन चुकी हुई है कि एक अगर प्लेयर नॉक किया तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट के एक कंप्लीट स्क्वाड वाइप आउट जो किया वो जरूर की जा सकती है। लेकिन अभी के लिए सर्कल ने एक और शिफ्ट लेके जानी है, दिस टाइम अराउंड पांचवा सर्कल जो कि है, पांचवीं स्टेज जो कि है वो फॉर्म अप कुछ ही सेकेंड्स के बाद जरूर की जाएगी, एंड ये सर्कल बहुत ज्यादा टीम्स के लिए मैटर करता है। डी लॉर्ड टीम TG देयर राइट नाउ इनसाइड ऑफ दैट सर्कल, लेकिन फाइट जो कि है वो टीम फैंटेसी ईस्पोर्ट्स देयर गेटिंग एंगेज्ड अगेन द टीम डी लॉर्ड, जहां पर से एक प्लेयर ऑफ द टीम डी लॉर्ड जो कि है वो फैंटेसी ईस्पोर्ट्स के नॉकआउट जरूर करते हैं, फिनिश ऑफ जो कि है वो जरूर किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ टीम स्मोकी ईस्पोर्ट्स HLV टीम रेज के खिलाफ में जाती है। रेज उस चीज को अपने अंजाम में लेके आती है कि उन्होंने एक और नॉकआउट निकाला, एक और किल सिक्योर किया। लेकिन अभी के लिए फैंटेसी ईस्पोर्ट्स की बात की जाए तो दीज गाइज आर समवट, मैं कहूंगा कि इस जगह पर एक काफी बैड सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं। बेशक सर्कल इनके पास रहता है, सर्कल का एक कॉर्नर रहता है, लेकिन एक तरफ जो कि है आपके पास टीम डी लॉर्ड रहती है जो कि ग्रेनेड इस्तेमाल करती है प्रीतम की तरफ से, और एजियो ना तो सिर्फ नॉकआउट किए गए बल्कि डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उस दौरान रियान इज द सोलो होप द टीम, और रियान जो कि इधर बैठे हुए हैं कोई मूवमेंट कोई जो कि एग्रेशन नहीं दिखा रहे ना तो बचाने के लिए बल्कि अब जाएंगे बचाने के लिए। लेकिन इस दौरान एक और ग्रेनेड अगर प्रीतम की तरफ से थ्रो किया गया पोर्टल तो वी कैन एक्सपेक्ट एक कंप्लीट स्क्वाड वाइप आउट इसी टीम की तरफ से हो सकता है। एग्जैक्टली लेकिन क्या नीड तो नहीं थ्रो होगा, बट आई बिलीव के सामने वाले जो टीम है वो अब हमें कुछ देर बाद उस कंपाउंड से निकलते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं, सो विल वेट फॉर दैट दो। लेकिन मीन वाइल किल फीड खैर हमें यहाँ पर रुकते हुए नहीं दिखाई देगी, कुछ और भी प्लेयर्स मार्च से एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे, एंड इवन टीम रेज के अगर स्क्वाड की बात करें तो जिस तरह से उनको किल्स भी मिले वो भी मजीद प्लेयर्स की तलाश में है, आस पास यहाँ पर छानबीन की जा रही है, रेज के प्लेयर्स को और ज्यादा यहाँ पर तलाश है कि हम फिर से अपने किल्स का नंबर बढ़ाएं, साथ ही साथ ये जो विनर विनर चिकन डिनर इस मैच का भी वो भी अपने नाम जरूर किया है। देन अगर ये चीज यहाँ पर टीम रेज के लिए होती है तो टीम रेज हो सकता है कि वो टीम बने जो कि इस मैच दिन के बाद हमें टॉप पर दिखा दे, लेकिन फिर इसका स्क्वाड में टूटा हुआ दिखा देगा, उनके पीछे नॉकआउट हो रहा है, एक पे जाता है दूसरे को नॉक किया जाता है, चेक से वहां पर नॉकआउट निकालते हैं, आज भी ज्वाइन करेंगे, एंड देखते ही देखते टीम थ्री एग्जाम पे वो नॉकआउट निकाले तो उनके अपने भी खिलाड़ी नॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जरपा पी गेट्स नॉक्ड आउट एज वेल, दो एश वो पहले इस मैच से जा चुके हैं, टीम रेज का स्क्वाड थर्ड पार्टी कर जाता है और जहां पे एक्सपेक्टेड नहीं था
टीम थ्री से प्लेयर क्योंकि उनके ऊपर भी यहाँ पर जो एक टीम आके धावा बोल देगी वहां पर रेज उनको नहीं संभालने का मौका दे रही मेरकल उनको भी नॉक कर दिया जा चुके हैं नाउ टीम 3x डाउन टू द लास्ट पे मूव टू एंड मूव टू सरप्राइज करते हैं फिनिशर को बयान को एक नॉक किया जाता है पाक पे पैर आता है उसका भी क्लियर कंफर्म जरूर किया जाएगा एंड टीम रेज के लिए टीम 6 के लिए मूव टू लेट्स सी वो कितना सरवाइव कर पाते बिकॉज़ उनके जो घेरा है वो बहुत तंग कर दिया जा चुका है शॉटगन चलाई जा रही है लेकिन अनफॉर्चूनेटली फॉर हिम दो दिस विल बी ऑल इट और बिलाखिर ट्रॉलिन उनका कला का मजा जरूर यहां पे कर लेंगे टीम 6 इस मैच से एलिमिनेट कर ही दिया जाता है लेकिन नॉट ओनली टीम 6 बल्कि दूसरी तरफ टीम डी लॉर्ड को भी फैंटेसी स्पोर्ट्स बिलाखिर एलिमिनेट करने में कामयाब हो ही जाती है आफ्टर ऑल दैट सिनेरियो जो कि टीम फैंटेसी ईस्पोर्ट्स की फेवर में हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था बिल्कुल टीम फैंटेसी स्पोर्ट्स अपने आखिरी दो प्लेयर पर सर्वाइव कर रही थी रियान और एसजीओ लेकिन एसजीओ को जहां पर से एक अच्छी मूवमेंट मिलती है जिस टाइम टीम डी लॉर्ड सर्कल से बाहर होकर आने की कोशिश करती है उसमें एसजीओ उनको जरूर सिक्योर कर लेते हैं लेकिन अभी के लिए एसजीओ जिस टाइम बाहर निकलेंगे स्नेक की तरफ से पकड़ लिए जाते हैं और एक और एलिमिनेशन एक कंप्लीट एनिहिलेशन जो कि है इस टीम का भी आ जाता है नाउ इट्स अ कंप्लीट 3-3 जहां पर टीम रेज के पास 11 किल रहते हैं टीम यूएजी वहां पर ही 5 किल के साथ सिक्योर के अंदर आती है ग्रेनेड थ्रो किया जाता है यूसुफ की तरफ ड्रॉलिन को वो हिट ऑन जरूर करेगा डैमेज लगता है लेकिन द प्लेयर इज स्टिल लकी इनफ कि वो एक सेफ साइड पे मूव ऑन कर जाते हैं एक सेफ साइड पे चले जाते हैं लेकिन यूसुफ हैज अ डेफिनेट चांस कि वो एक अच्छी यहां पर से जो कि नॉकआउट का जो कि सिनेरियो है अंदर 7 क्यू रेज ज़िबियान को अगर नॉकआउट कर जाए then it might just be in this guy's favor. Similar side पे अगर बात की जाए finisher की, finisher भी इस पत्थर के पीछे cover के अंदर रहते हैं, सामने यूसुफ ही एक अकेले player ऐसे रहेंगे, जो कि इनको constantly देख रहे हैं, जो कि location है, वो अपनी team को provide कर रहे हैं, because the rest of the two players, Cosmos जो कि रहते हैं, उनके पास level 1 का helmet, level 1 की vest रहती है, bag नहीं रहने वाला इस player के पास, और That means के ज्यादा बुलेट्स जो कि हैं वो कनेक्टिविटी नहीं लेके जाएंगे लेकिन what is going on? Cosmos के पास अपने ही प्लेयर की मॉली आती है उसी मॉली से डर जाते हैं और अपने जो कि कदम है उनको फौरन उधर के उधर ही रोक लिया जाता है कि इससे आगे गए तो और ग्रेनेड्स भी नहीं आ पाएंगे और ना ही कोई कवर जो कि है वो प्रोवाइड हो सकेगा एग्जैक्टली लेकिन अभी भी है टीम रेज वो बहुत आता पे रहते हुए दिखाई दे रही है टीम हमारे पास जो कॉस्मोस की जो टीम रहने वाली है इनफैक्ट बिलीव इट विल बी टीम यूएजी इज द स्क्वाड इनफैक्ट जो कि हमारे पास रहने वाले यस यूएजी मैक्सिमस का जो स्क्वाड है वो भी मोहतात ही रह रहा है दोनों टीमों के पास हमें 3-3 खिलाड़ी मौजूद हैं ये एक पहले सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग इस तरह की एंडिंग देख रहे हैं बल्कि हमने बैक टू बैक बहुत बेहतरीन मैच देखे लेकिन फाइनली रेज का स्क्वाड फिर से नॉक निकालने में कामयाब हो जाएगा ब्रेक थ्रू जो यहाँ पर टीम को चाहिए था वो जरूर निकाल लिया जाता है फिनिशर वो मजीद आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे लेफ्ट साइड पर यूसुफ मौजूद रहने वाला है सब उनको भी यहाँ पर नॉक निकालना पड़ेगा लेकिन अगर यहाँ पर नॉक आउट नहीं आता तो देन चीजें बदल जरूर सकती हैं लेकिन फिनिशर वो चीजें बदलने नहीं देंगे फिनिशर फिर से नॉक आउट निकालते हैं दो प्लस नॉक कर दिया जा चुका है नाउ फिनिशर ही गेट्स नॉक आउट एज वेल बिकॉज़ वो जोन के बाहर चले गए थे जोन डैमेज उनका डैमेज देता है लेकिन कॉस्मोस अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं किल कंफर्म करने के लिए आई बिलीव गए थे और मे बी शायद वो किल कंफर्म कर भी गए लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुद को इस मैच से एलिमिनेट को करवाना ही पड़ता है टुवर्ड्स एंड वंस अगेन इट इज अ टीम 7 क्यू रेज जो कि एक और विनर विनर से कंटेनर अपने नाम करके जरूर लेके जा चुकी है 8 सोलो किल्स फॉर रेज फिनिशर तन तनहा जोन के बाहर इसीलिए वो जा रहे थे कोशिश कर रहे थे कि मेरे जो किल्स है वो यहाँ पर जो एज सून एज पॉसिबल ना सिर्फ मैं कंफर्म करूं बल्कि जो आखिरी खिलाड़ी है उसका किल भी मुझे ही चाहिए सो फिनिशर ऑब्वियसली बेहतरीन प्ले खेल कर जाते हुए इन टर्म्स ऑफ सोलो परफॉर्मेंसेस और इस मैच के अंदर जहां पर टीम ने 13 किल्स निकाले हैं वहां पर एक खिलाड़ी का ओवरऑल 8 किल्स निकालना एक बहुत बहुत बड़ी चीज रह जाती है नॉट ओनली जस्ट फिनिशर बल्कि इससे हटके अगर हम हमारे बॉटम टीम्स की भी बात करें तो क्या जहां पर टीम यूएजी के स्क्वाड ने 6 किल्स निकाले हैं वहीं पर आप बॉटम साइड पर देखें तो 5 नंबर पर रहने वाली टीम 3x के खिलाड़ी को आप देखें 3x ज़रबाफ 5 सोलो किल्स 3x मिरेकल 6 सोलो किल्स फिर उसके बाद डी लॉर्ड के वाइज में वो 4 किल्स निकाल के जाते हैं सो 4-4, 5-5 प्लस जितने भी किल्स यहाँ पर रहने वाले हैं डेफिनेटली ये आसान चीज नहीं है सोलो जब हम परफॉर्मेंसेज की बात करते हैं सो जाते जाते सानो का मैच ऐसा एक्सपेक्टेड था कि हमें यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंसेज देखने को मिलेंगी हमें शॉटगन एक्शन देखने को मिलेगा इमर्स से बेहतरीन एक्शन हमने विटनेस किया हमने थ्रू आउट द मैच क्लचेस विटनेस किए हमने जो है वो डीबीएस के अगेंस्ट प्लेयर्स को डीबीएस के ही से ही टेक डाउन करते हुए देखा हमने नेट से कुछ ट्रेड्स यहाँ पर देखे देन हमने जो कुछ कमबैक्स देखे इन द शेप ऑफ 3x मूव टू जहाँ पर टीम के लिए अकेले रह रहे थे 7 क्यू रेज को डील करते हैं दूसरी एक टीम को डील करते हैं बहुत बेहतरीन एफर्ट था लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी एक की फेवर में इस मैच को जाना था दैट वाज वंस अगेन फॉर द वेरी सेकंड टाइम टुडे कि टीम 7 क्यू रेज वो स्क्वाड रह जाता है जिनके लिए दूसरा विनर विनर सेकंड इस मैच के अंदर हमें निकलता हुआ जरूर नजर आता है एंड आई बिलीव ये हमारे लिए आज के मैचेस के लिए काफी यहाँ पर एक एक्शन और हमारे जो सारे के सारे मैचेस हैं
वो खत्म हो चुके हैं। रेंगल का मैच वंस अगेन आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवा दें कि बस 3 मैचेस होना थे। पहला मैच रेंगल का मैच था, दूसरा मैच हमने मेरामार में विटनेस किया, और तीसरा मैच हमारा वंस अगेन हमने जो एक और डिफरेंट मैप में विटनेस किया, एंड दैट वाज सैनहॉक। एग्जैक्टली 3 मैचेस खेले जाते हैं और तीनों में एक तबाहकुन परफॉर्मेंस हर टीम की तरफ से मैं कहूंगा जरूर की गई थी। बेशक कुछ अर्ली स्टेजेस की एलिमिनेशन जो थी वो हमने जरूर विटनेस की, लेकिन सिमिलर साइड पे टीम्स ने जिस तरह से फाइट्स ली है, रेज की तरफ से दो बैक टू बैक चिकन निकल जाते हैं, बैक टू बैक उनकी तरफ से चिकन किए जाते हैं। सिमिलर साइड फैंटेसी स्पोर्ट्स का एक अच्छा सर्वाइवल था, 3x की एग्रेशन जो कि थी, स्मोकी स्पोर्ट्स डी लॉर्ड की तरफ से जिस तरह से एग्रेशन चलती रही है सारे के सारे सिनेरियो के अंदर, पहला मैच, दूसरा मैच, एंड इवन BY7 टीम 141 BY7 की तरफ से भी एक अच्छे इनिशियलाइजेशन जो के थे वो किए गए। लेकिन हमने ड्यूरिंग द मैचेस जरूर देखा था कि नॉकआउट्स के बाद जब वो एंगेजमेंट में दोबारा से जाते थे तो उस चीज को वो विटनेस लाइक एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आ पाए। लास्ट मैच के अंदर मिरामार का पोर्टल अगर आपको याद हो, टीम R3G रोशान द यस सोलो गाय दैट ही वाज गेटिंग नॉक पे नॉक, एलिमिनेशन पे एलिमिनेशन, हमने उनको देखा कि इवन दो ही वाज अ सोलो प्लेयर उन्होंने एटलीस्ट 3 टीम्स को इंडिविजुअली एलिमिनेट किया है, डुओस, ट्रियोस, एंड इवन अ सोलो प्लेयर को भी एलिमिनेट करके अपने टोटल टीम के जो के किल्स थे आई थिंक ऑलमोस्ट 12 to 13 वो किल जो के थे सिक्योर किए गए थे, इवन दो ही डिड मैनेज टू लाइक गेट एलिमिनेटेड एट समवट नंबर 6 नंबर 7 पोजिशन। लेकिन दोज इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, दोज इंडिविजुअल किल्स की अगर बात की जाए उसमें हर टीम के कोई ना कोई प्लेयर्स एक ऐसे रहते हैं जो कि हर मैच के अंदर निकाल रहे हैं ऐसी लाइक एंगेजमेंट्स, ऐसी इलिमिनेशंस अगेंस्ट दी अदर टीम्स, अपना एक जो कि मयार है, अपना एक जो कि एग्रेशन है अगली टीम को दिखाने की वो शो की जा रही है। लेकिन आज का दिन 3 मैचेस के जो कि थे वो इधर खत्म हो चुके हैं, कल के दिन दोबारा से 3 मैचेस खेले जाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी हु विल टेक लाइक द क्राउन चैंपियन ऑफ दिस कंप्लीट DSA इनविटेशनल सिनेरियो के कौन लेके जाता है एज अ क्राउन चैंपियन और कौन सी टीम जो कि है रनर अप वगैरह में रहेगी। और एवरी सिंगल चिकन डिनर हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1,000 का जो कि प्राइस पूल के अंदर इजाफा है वो उनको जरूर मिलना है। बिल्कुल, लेकिन खैर इन सब चीजों को जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा एक और दिन, और इस एक और दिन को देखने के लिए आप लोग कल फिर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा सेम टाइम 5:45 PM ऑनवर्ड्स, जहां पर हमारे 3 मैचेस प्ले किए जाएंगे एंड हमारी इन टीम्स के एक्शन को आप लोगों को देखने का जरूर मौका मिलेगा। 5:30 इनफैक्ट आप लोग लाजमी आ जाएगा, स्ट्रीम स्केड्यूल हो जाएगी आप लोगों के लिए फिर से इसी चैनल पर। सो आप लोगों से मुलाकात होगी कल के दिन पर, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने आज के दिन को भी हमारे साथ एंजॉय जरूर किया होगा। आपका अगर कोई भी फीडबैक रहने वाला है अब अपना कीमती फीडबैक मुझे एट गेमिंग पोर्टल YT और इंस्टाग्राम वहां पे जब भेज सकते हैं, Torix_1 पे जब इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर डी लॉर्ड आप उनके इंस्टाग्राम पे जरूर जाके उनको भी जो फीडबैक है वो जरूर शेयर कर सकते हैं, इवन RPX को भी उनके इंस्टाग्राम पे जाके आप जरूर जो फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ फॉर द डे वन दिस इज ऑल इट, आप लोगों से मिलते हैं हमारे Day 2, हमारे लास्ट डे ऑफ द ग्रैंड फिनाले कल के दिन पर। उसके साथ अभी तक के लिए अपना हमें यहाँ पे दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।